बात कर रहे थे कि हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो इसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे। मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, फिर रहेगा समय दूरी चाल, फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक जो आता है वो कौन सा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हमारा परसेंटेज, फिर परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, फिर हमारा साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो, एवरेज, स्क्वायर, क्यूब, सारे टॉपिक्स होंगे। तो चलिए, अब किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। समय और कार्य को करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ चाहिए टोटल वर्क, टोटल वर्क के बाद इस काम को करने के लिए चाहिए हमको वर्कर। और जब कोई बंदा काम करता है तो उसकी एक होती है एफिशिएंसी। मैं इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी। लाइक दिस, जैसे मेरी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 घंटे मान लो, 10 घंटे मान लो, तो 10 घंटे में कितने क्वेश्चन कराऊंगा, जो प्रति घंटे में क्वेश्चन कराऊंगा वो मेरी एफिशिएंसी है। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता, और इस कार्य क्षमता का बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है कार्य क्षमता। अब जैसे समझाता हूँ, मान लो मेरे पास 20 काम है, 20 काम, और मेरी क्षमता 5 है, तो आप बोलोगे मेरी क्षमता 5 क्वेश्चन करवाने की है 1 घंटे में, पर घंटे 5 क्षमता है, तो ये जो मेरी क्षमता है ना ये बता देगी कि मुझे 4 घंटे लगेंगे कराने में। तो जो ये एफिशिएंसी है ना, इसका भाग देने से, एफिशिएंसी का काम में भाग देने से समय आता है, एफिशिएंसी का काम में भाग देने से टाइम आता है, ये बात ध्यान रखना। फिर हमको क्या चाहिएगा यहाँ पे, अब देखो हमें इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए होता है, एक यहाँ पे आपको LCM लेना आना चाहिए। अगर आपको लघुत्तम लेना नहीं आता तो आप टोटल वर्क नहीं बना पाओगे। तो लघुत्तम लेने के लिए क्या करना होगा हमको, लघुत्तम लेने के लिए मोस्टली जो लघुत्तम आता है वो 30 आता है या 60 आता है या 120 आता है, या फिर हम इस रेशियो में, इस लाइन में जो भी लघुत्तम बनता है, या मान लो 180 बनता है, मोस्टली 60 पे ही सारा काम सल्ट जाता है। तो लघुत्तम लेना आना चाहिए और कुछ भी नहीं करना सर, और कुछ भी नहीं करना। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे LCM लेने की। आपको तो LCM आपके आना चाहिए, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन से। देखिए, ए कोई काम 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। जितने टाइप बनेंगे वो मैं सारे कराऊंगा। मैंने लिखा ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। हमारे लिए ये इनका टाइम है। सबसे पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे बनेगा, 6 और 9 का LCM। आप बोलोगे सर 18, ये है हमारा TW, टोटल वर्क, जिसे मैं TW से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए मेरे साथियों, आप लोग बीच में किसी भी तरीके की बात नहीं करें कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे पढ़ाने दीजिएगा। और अगर आप कंटिन्यू लाइव नहीं रह सकते तो फिर ना आप चले जाइए, क्योंकि वीडियो भर्ती आपके लिए नहीं बनी। आपका, हम आपके लिए जब मेहनत करने को तैयार है तो आप कंटिन्यू क्यों नहीं रह सकते। तो जो भी सुन रहे हैं, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमेंट ऐसा ना करें जिससे आपको नोट चाहिए, ये चाहिए, ढींकड़ा फलाना, बस पढ़ाने दीजिए और पढ़िए आप, बाकी कोई सारी चीजें मिल जाएगी, चाय पानी नाश्ता सब कुछ। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 और 9, तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 9 का भाग जाएगा 2 बार। जो ये 3 और 2 है ना, ये है एफिशिएंसी। ऐसा आपको मोस्टली सभी क्वेश्चन में करना है, ऐसा सभी क्वेश्चन में करना है आपको। अगर आपने ऐसा किया तो आपके क्या समझ में आएगा, यहां से आपको दोनों का टाइम निकालना था कि ए और बी कंबाइंड कितने टाइम में करेंगे। तो हम बोलेंगे सर टोटल काम 18 करने जाना है, दोनों मिलके 5 काम करते हैं, ऐसे 5। तो आप बोलोगे सर भाग देना तो 3.6 दिन आता है। या तो देखो पॉइंटों में दिन लिख दो, वरना अगर नहीं लिखो तो आप लिख सकते थे 5 का भाग 3 बार और 3 सही 5/5 ये लीजिए भाई। दोनों तरीके के आंसर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब आप बोलेंगे सर इतना इजी, कोई बात नहीं, मेरा काम आपको ये समझाना था, क्या ये फॉर्मेट आप सब जगह फॉलो कर लोगे, हर क्वेश्चन में ऐसा आपको करके ही देना देना है, सभी लोग कर लोगे यहां तक फॉलो, बिल्कुल। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत, मुझे पता है आप इतना आराम से कर लोगे, बिल्कुल। चलिए अब हम देखते हैं धीरे धीरे, ये क्वेश्चन 2-2 जनों का कंबाइंड है और एग्जाम में बहुत इसकी चांस रहते हैं आने के, तो एक बार हम ध्यान से देखेंगे, बड़े सुकून से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
पहले क्वेश्चन को पढ़ना आराम से आना चाहिए। ए बी बेहतर दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 72 डेज में, ओके। बी प्लस सी 120 डेज, बी प्लस सी 120 डेज, ए प्लस सी 90 डेज, सॉरी गाइस 90 डेज। हमने इन सबको ऐड किया, सबको ऐड किया, कोई समस्या है आपके? मुझे नहीं लगता, ऐड कर लिया सर। सबसे बड़ी बात कि सर हमको इनका एलसीएम आना चाहिए। भाई एलसीएम तो आना ही आना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम देखेंगे इसका। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बताएंगे। सर इसका एलसीएम देखो 72 का भाग जाना चाहिए, 120 का भाग जाना चाहिए, 90 का भाग जाना चाहिए। 120 में जीरो आता है, तो मेरे को लगता है सर हम लिख सकते हैं 360। लिख सकते हैं 360, बिल्कुल। अगर मैंने 360 लिखा तो इन दोनों की एफिशिएंसी आएगी 5 बर भाग, 12 तीय 36 3 बर भाग, 9 चौके 36 4 बर भाग। सबसे बड़ी बात, ये जो एफिशिएंसी 5 3 4 जो मैं एफिशिएंसी वर्ड बोल रहा हूं बार बार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता, ये जो है ना कंबाइंड एबी, कंबाइंड बीसी, कंबाइंड एसी की, हमको तो तीनों से पूछा है, तीनों यानी कि बोथ वो थ्री आर, जो तीनों टुगेदर उस काम को कितने टाइम में करें। अगर आप तीनों की एफिशिएंसी निकालने पे ध्यान दो, तो अगर मैं इधर से जोड़ू तो ये 2a बनेगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा। तो तीनों के लिए मुझे ऐसे करना पड़ता, इधर से मैं जोड़ता 8 4 12 होता। अगर आधी कर लूं इधर से ए ए कॉमन लेके यहां से दो, तो यहां पे बनेगा 6। तो सबसे बड़ी बात, दो दो वाले में एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 का भाग दिया मैंने, ओके। कोई बात नहीं, सभी जो अभी जुड़े हैं आप रुके रहना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक बार आपने पढ़ लिया एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट कराना मेरा काम है, मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो बहुत टफ लेवल का हो आपको डराने के लिए, नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने देखे एग्जाम में आएंगे, और अगर ये कर लिए तो इससे कितना भी टफ क्वेश्चन आओ आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 6 आ गया, एबीसी का मान 6 है। आई नो वेरी वेल कि सर आपने यहां तक तो कर ही लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने कहा ये पैटर्न आपको सब जगह फॉलो करना है, तो आपने ऐसा कर लिया। अब देखिए यहां से मैं एक ही क्वेश्चन नहीं कराने के लिए आया कि चलो बताओ तीनों ने कितने टाइम में किया। तो आप बोलोगे सर 360 काम था, 6 का हम भाग दे देंगे, कोई भी 12 का भाग नहीं देगा, 2 हमने कॉमन लेके काट लिया। तो आप बोलोगे सर 60 आंसर आ गया। हाँ ठीक है सर, सी आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। मेन और समझिए आप, इसके अलावा भी पॉइंट समझिए मेरे साथियों। क्या अगर वो आपको बोले कि नहीं भीम आप यहां ए का भी मान निकालो, मैं कहूंगा रुक जा, हमारे सारे प्यारे प्यारे लड्डू इस ए का मान भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, लाइक दिस, आपको पता है तीनों की एफिशिएंसी 6 है, ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है, तो बी और सी की कितनी है, बी और सी की 3। अगर बी और सी की 3 है और टोटल 6 है, तो ए की 3 बचेगी। आपको पूछे बी की, बताओ बी की एफिशिएंसी, आप बोलोगे सर बी के लिए ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो आप बोलोगे सर बी के लिए एफिशिएंसी बचेगी 2। कितनी बचेगी, 2। अब टोटल कितनी है, 6, तो सी के लिए एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 1। सी के लिए एफिशिएंसी 1 बच गई ना। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी, ये बात आपके अच्छे से समझ में आई, आई नो कि आप यहां तक कोई भी डाउट नहीं। अब देखो आपको बोले ए का, तो फोड़ देंगे इसको, क्या पता कि हमें सब कुछ आता है। ए के लिए आप 360 के अंदर 3 का भाग दोगे, बी के लिए आप 360 के अंदर 2 का भाग दोगे, और सी के लिए 360 के अंदर 1 का भाग दोगे। अलग अलग निकालना भी बहुत इजी हो गया, अलग अलग भी। तो आप में यहाँ कितने क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है वो आपसे अलग अलग पूछे, हो सकता है आपको कंबाइंड पूछे। किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में सीधा का सीधा आपको हिट करना है। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से आपका स्वागत, बिल्कुल हमने ये डायरेक्ट ही करवाया मैम, सारी चीजें मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्वेश्चन नंबर 3। अब होगा क्या, टाइम एंड वर्क एक ही पैटर्न है, बस यही पैटर्न है। उसमें वो क्या करेगा, छोड़ देगा, कभी बीच में से आ जाएगा, कभी लास्ट में से छोड़ देगा। छोड़ना जुड़ना, छोड़ना जुड़ना कैसे देखते हैं, एक केला किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए भी मिलकर 8 दिन में करते हैं। अब ऐसे भी आपको पूछ सकता है, जैसे ए बहुत सरल क्वेश्चन है,
ए 12 दिन में करता है, ए भी मिलके उस काम को 8 दिन में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केवल और केवल ये समझाना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। अभी मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करा दूंगा। 12 दुए 24, ओके सर 24, एफिशिएंसी सर 12 दुए 24, 8 तिया 24। अब समझो, आप बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे एडजस्ट करना नहीं जानते, वो समझाना चाहता हूं। ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? तीन। तीन अकेले ए की एफिशिएंसी दो, ए की एफिशिएंसी दो है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? एक। 2 + 1 तभी तो टोटल तीन बनेगी। तीन बनेगी। आपको अगर बी की एफिशिएंसी आ गई तो आपको बी से काम करवाना है या ए से? बी से करवाना है। कितना काम? 24 काम। बी की क्षमता? एक। 24 में एक का भाग देंगे कितने दिन? 24 डेज। आई नो वेरी वेल कि आप समझ गए होंगे चीजें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। देखिए भाई, आप लोग कंटिन्यू बने रहो, आप ऐसे भागा दौड़ी मत कीजिए, आराम से सेशन को ज्वाइन कीजिए, आराम से रजाई में बैठी रहिए, पढ़ते रहिए। अब देखो, अब मैंने आपको बेसिक समझाया इस प्रकार से जुड़ना घटना। अब मैं आपको जो टाइप करा रहा हूँ वो फ्रैक्शन टाइप करा रहा हूँ, और पिछली बार बहुत ज्यादा आया है वीडियो में, स्टार लगा दिया। फ्रैक्शन टाइप मैं आपके लिए पेपर अभी उठा लाता हूँ, एक सेकेंड दो, मैं मेरे हाथ में पेपर उठा लाता हूँ और मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा कि वीडियो में पिछली बार जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था वो कैसे आया था और तुम क्या कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आपसे अभी वीडियो का फ्रैक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन आया था सोल्व करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, और मैं पहले इस फ्रैक्शन के क्वेश्चन को कराऊंगा, फिर उसके बाद उसके अभी मैं पेपर मेरे को मिल चुका है और ये पेपर हाथ में आता हुआ और फाइनली हमने पेपर को दबोच लिया। चलिए भाई, तो फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन आया था वीडियो में टाइम का, वो मैं आपको करवाऊंगा। ये पेपर आ गया, पहले इसको कराते हैं। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। देखो मैं एक बार बेसिक समझाता हूं आपको इसका, फिर शॉर्टकट। 4/5 भाग है और कितने दिन में? 20 दिन में। हमको क्या करना है? इसे एक बनाना है, एक काम। तो 4/5 भाग 20 दिन में, तो एक काम 20 के अंदर 5 का भाग 4 से गुणा, यानी हम इसके उल्टे से गुणा कर रहे हैं। 4/5 था तो 5, 4/5 था, 5 जाएगा ना ऊपर, बिल्कुल उल्टा होगा, 5/4 एक बनाने के लिए, सॉरी ध्यान दो, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो उल्टे से हम गुणा कर रहे हैं एक बनाने के लिए। बेसिक समझ में आ गया, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए का जो टाइम आएगा उसे डायरेक्ट कैसे लिखूंगा। ए का टाइम कितना है? 20। पूरा बनाने के लिए इसको उल्टे से गुणा कर लिया 5/4, तो आप बोलोगे 25 दिन। तो ए के कितने दिन आ गए? 25 दिन आ गए। अब देखो, शेष काम को बी ने, अब शेष काम कितना होगा बी के लिए? शेष काम से तात्पर्य 4 में 5 में से 4 हो गया तो 1/5, और 3 दिन में करते तो उल्टा करने के लिए बी का टाइम बनाने के लिए 3 को उल्टे से गुणा करेंगे 5/1 से, तो ये बनेंगे 15 दिन। क्या आप मुझे एक ही बात बता दीजिए, ये फ्रैक्शन के अंदर टाइम बनाना सीख गए क्या? सीधा सीधा उल्टे से गुणा ठोक देना, हो सकता है वो परसेंटेज में दे, तो आप उस चीज को भी एडजस्ट करना आना चाहिए। क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी? किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हमने क्या किया, फिर बोल देता हूं, 20 को इसके उल्टे से गुणा किया। क्यों किया? देखो, 4/5 काम 20 दिन में, 20 दिन में एक काम 20 के बटे में भाग जाएगा तो 5 नीचे रह जाएगा 4 ऊपर, ऐसे भाग जाएगा इसका पूरा नीचे आएगा तो 5 नीचे न रह के 4 नीचे रह जाएगा और 5 गुणा में चला जाएगा। ध्यान से करना बस, ओके। तो हमने इसके उल्टे से गुणा कर दिया लाइक दिस। तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे 100% भरोसा है कि आपको समझ में आ ही गया है। अभी एक और करवा देंगे। अब समझिए एलसीएम वाला प्रोसेस सेम, तो बस फ्रैक्शन मेथड में ये प्रोसेस आपके लिए एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ पहले जैसा है। डन डन भाई, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं क्योंकि नहीं चाहता पेपर के अंदर फ्रैक्शन का कभी भी कोई क्वेश्चन गलत हो। एलसीएम लेंगे सर, क्या लें? भाग चला जाए, 75 ले लो सर, 75 है, 75 ले लो सर, काम बन जाए, 15 × 5 = 75, 25 × 75। टोटल किससे करवाना है? दोनों से। तो बी काम को अकेले कितने समय में करेगा? अब देखो, सबसे बड़ी बात, आपको बी का पूछ रखा है, हम ऐसे करते हैं तो बात ठीक है, हमने बनाना सीख लिया अलग अलग,
ऐसे कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये जो सेस टाइम दिया है वो अकेले बी का नहीं था, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। सेस टाइम जो दिया है वो अकेले बी का नहीं था, जो आपसे स्वाभाविक गलती ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे और यहां सोचेंगे कि सर अब हम क्या करें। अगर सीधा बी का टाइम पूछा होता तो 15 दिन ही आते, तो 15 है क्या। सीधा ए का टाइम पूछा होता 25 ही आते। अगर ऐसे लिख के ए और बी दोनों का पूछा होता तो मैं 75 के अंदर जो भाग देता वो 5 और 3 8 का देता। ये सब ठीक है। अगर सुनिए फिर बताता हूं, ए का दिया होता 25 बनते, बी का दिया होता 15 दिन बनते। ये पूरे दिन है काम करने के, निकालने की जरूरत नहीं है। अलग अलग आपको पूछा होता टोटल दोनों मिलके कितने करते, तो 75 में 8 ऐसा दिया हुआ होने पे। लेकिन ये क्वेश्चन वाला बड़ा सातिर है, इसने आपके साथ गेम क्या खेला कि वह बी को बुलाकर, कौन वह ए, यानी ये जो टाइम दिया है वो ए के साथ दिया, ए और बी का दिया, ए और बी का, ए और बी मिलके 15 में करते हैं। अब क्वेश्चन बन गया सेम तरीके का क्वेश्चन। अब आपको ये काम करवाना किससे है, अकेले बी से। कितना काम करवाना है, 75। एफिशिएंसी कितनी है, अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी, ए की एफिशिएंसी कितनी 3, ए की एफिशिएंसी 3। देखो मैं एक चीज ध्यान रखना, कुछ गलतियां जानबूझ के करूंगा, उससे आपको एक चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन रीड केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े। आपने जल्दी में पढ़ा बी ने से इस काम 3 दिन में किया, ढींगड़ा फलाना, उत्तर निकालने की सोची नहीं मिल रहे, परेशान हो जाओगे, फिर पढ़ोगे ओहो वह बी को बुलाकर, यानी ए को साथ में लेके। ठीक है, तो ए को साथ में लेके, अब सुनो ए की एफिशिएंसी 3, दोनों की 5, तो बी की एफिशिएंसी 2, क्यों, तभी 5 होगा और आंसर आ जाएगा 37.5 दिन। वेल डन, ठीक है भाई, थोड़ा क्या 37.5 ही बनता तो इसका हाफ गायब है और ये आंसर रहा बी, हाफ गायब है। टाइपिंग में कोई मतलब सिली मिस्टेक्स या एरर आएगी वो मैनेज कर लेंगे। 37.5 दिन, डन भाई। जो भी पहली बार वीडियो के लिए मैथ्स पढ़ना है कंटिन्यू पढ़िए, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो हमारी जिम्मेदारी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे हम धीरे धीरे फास्ट भी करेंगे, लेकिन एक बार मैं इसका पुराना आया हुआ क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो भाई मुझे सारा कवर कराना है, इसलिए ये मत बोलना सर जल्दी चलो वो चलो, मेरा काम आपको सिखाना है और मैं शुरू शुरू में बस घंटे भर आपके लिए बहुत स्लो चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे लेट जुड़ेंगे उनका छूट नहीं जाए। आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी वीडियो के लिए, प्रीवियस में आया हुआ, साथ साथ में लिखा दूंगा मैं, क्योंकि बाई चांस मैंने ये क्वेश्चन सोचा नहीं था आपको करवाने हैं, मैं जोड़ नहीं पाया था, बट चलो अभी हमने सोच ही लिया तो क्वेश्चन लिखा के करवा देते हैं कि आया हुआ क्वेश्चन है वीडियो में। आ मुझे फटाफट बताइए कैसे करोगे। ए किसी काम के, मैं शॉर्ट लिखूंगा, ए किसी काम के 7/7, आप सभी ध्यान से करके बताएं, 7/10 काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में काम कर, 7/10 काम को 15 दिन में करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से, उसके पश्चात सेम टाइप, उसकी सहायता, उसके पश्चात बी की हेल्प से, बी की हेल्प से वो शेष काम को, शेष रिमेन काम को, शेष काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। अब तुम्हारे ना नया हवा लगेगी, नया कुछ और लगेगा। अब बताओ क्या सेम टाइप नहीं है, एग्जाम में आया हुआ, बिल्कुल। ऑप्शन दे दू, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को, है इतना भी आप हल्के में मत लो खुद को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे जवाब दो, कैसे करोगे फटाफट। चलो मैं बताता हूं आपको, ध्यान दो बस, फटाफट ध्यान दो आप। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे, ए का टाइम बनाओगे ना पूरा तो 10 से गुणा होगा, 150/7 आएगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, क्या है तो समस्या ही तो जीवन में है, और समस्याओं से जीत जाना आपका काम है। शेष काम बचता है सर 3/10, कितना बचता है 3/10, और 3/10 सर 4 में, तो इसका आंसर आता है सर 40/3। इतना ही आता है 40/3, है ना। अरे भाई ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 10 इधर जाएगा और 3/3 में। सर क्या हो गया, कट ही नहीं रहा, आप तो यहाँ काट दिए थे,
यहाँ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, मत कटने दो। अब आपको आना चाहिए यहाँ पे एलसीएम लेना। सही बटा की संख्या का एलसीएम ध्यान से देख लो, मैं लिख देता हूं एलसीएम, अंश का एलसीएम। देखो मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूं, सेशन में बने रहोगे कोई नहीं रोक सकता, पूरे वीडियो के क्वेश्चन लिखा लिखा के करा दूंगा। अब आप सोचोगे जल्दी कराओ और ये कराओ ढींकड़ा कराओ, तो मेरे से तबीयत डाउन होने के बाद भी पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा मेरे से। अब अंश का एलसीएम लेंगे, हर का एचसीएफ। अंश क्या है 150 और 40, ऐसी संख्या लो जिसमें दोनों का भाग जाता हो। बताओ क्या 600 लिख दूं, 600 लिख दूं ऊपर, सर 600 लिख दो। नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, 7 और 3 का एचसीएफ होता है 1, 600। ठीक है सर 600 लिख दिया आपके कहने पे। 600 में 150 का भाग जाता है 4 बार, 4 सातों के 28 बार। यहां ए के साथ बी है तो ए प्लस बी भी लिख दिया। अब देखो 40/3 है, 40/3, 40 का भाग कितनी बार जाता है 15, 15 थी 45, खत्म बात, हो गया ना काम। अब आपको पूछा था, रुक जाओ, तो भी अकेला कितने में करेगा, सारा कुछ आपने कर दिया सर, अब हमें क्या डरना, डर के आगे जीत है, हैं? क्या खतरनाक खिलाड़ी हो तुम सबके। बी का पूछा था, देखो माँ के भी दर्शन करवा दिए तुम, बी का करना। 600 काम, कितना बचेगा बी के लिए, 17 17 बचेगा, और 17 बचेगा जब आप भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, 17 वाला ऑप्शन 2 है, 17 का भाग 17 दुए 34, 17 थी 51, 37 भर गया 51, 90 बच गया, 17 पांच 85 लगभग, ये लीजिए बी है। तो आप समझ गए होंगे हैं कि पेपर आता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा चाहिए। तुम में से बहुत सारे इसको देख के, हे महाराज इतने टफ कैलकुलेशन, अरे भाई घबरा क्यों रहे हो, आराम से करोगे तभी तो होगा। हाँ मुझे बताइए किसको दिक्कत, सर एलसीएम में हर का एचसीएफ लेना है, एचसीएफ 7/3 का एचसीएफ 1, ठीक ओके डन, कोई दिक्कत। वीडियो लास्ट वीडियो एग्जाम का था, लास्ट वीडियो एग्जाम का था, डोंट वरी आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। अल्टरनेट, अल्टरनेट बहुत ही धांसू टाइप, ध्यान से रहना भैया, इस टाइप के अंदर तुम्हें कोई भी मात दे सकता है। मजा आया कि नहीं आया, 15 क्वेश्चन वीडियो के नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके फील आ रहा है क्या, अरे भाई फटाफट बताओ, मैराथन वाला फील आ रहा है क्या कि सर ऐसे आप हमें समझाओगे ना, ऐसे क्वेश्चन करके, ऐसे पहले आया था और अभी एग्जाम में भी ऐसा आया था, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा कि सर आप करा रहे हो वैसे वैसे, पेपर में भी आए हुए हम भी कर देंगे और ऐसे ही आते हैं सर, डोंट वरी बिल्कुल। तो मेरे को इस क्वेश्चन को समझाने की बहुत जरूरत है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है और ये क्वेश्चन आपको ले डूब सकता है। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब समझिए, आज मैं आया कल मैं नहीं आऊंगा, परसों मैं आऊंगा अगले दिन नहीं आऊंगा, एक दिन आऊंगा एक दिन नहीं आऊंगा, कभी कभी आपके घर पे होता है एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, जैसे न्यूज पेपर होती है या दूध की बंदी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, आज भाई नहीं लेंगे कल लेंगे, एक दिन दे देकर एक दिन मत दिया कर, ठीक है। अब समझो सेम प्रोसेस सब जगह फॉलो करना है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ओके, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, लाइक दिस, 16 और 12 कितने हो जाते हैं, एलसीएम लेते, एलसीएम सर 16 2 32, 16 3 48, ओहो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 16 का भाग 3 बार, 12 ओहो 12 का भाग 16 का भाग 3 बार, 12 का भाग 4 बार, इतना काम तो सबको करना ही होगा, सब जगह सेम होगा भाई, सभी को लाइए मैराथन नोट भी लाए हो क्या, बहुत अच्छी बात है। मैम आपका भी स्वागत है, हमारे बालकों का ख्याल रखना, प्यारे प्यारे बच्चों का है, शादी वादी हो जाए तो बढ़िया इनको खाना बना के खिलाना, पता चले कि मेरी तरह सब काम खुद को ही करने पड़ रहे हैं, नौकरी लग जाएंगे, बालक सब अच्छे बच्चे बाद में, हाँ ठीक है भाई, तारीफ कर दिया तुम्हारी, अब खुश। अब मुझे आप बताइए अल्टरनेट में क्या करना है, देखो फर्स्ट डे का काम, सेकेंड डे का काम, 2 दिन का काम, 2 डेज का काम, क्या होगा 7 काम, 2 दिन में 7 काम हो चुका, कराना कितना काम है आपको, कराना है 48 काम, ऐसी कोई संख्या कि 7 को गुणा करके 48 बन जाए, वरना डिटेल से तो ऐसे होगा, पहले दिन 3, दूसरे दिन 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, कितना हुआ है, फिर 3, फिर 4, 7, 14, 21, 28, 3, 4, 35, 3, 4,
कितना हो गया भाई, 35 और 7, 42, 42 हो गया। अभी तक 42 ही काम हुआ है, 42 फिर 3 काम, 42 और 3 45, 45 अब बताओ कितना लिखो। अब समस्या, अब देखो पहले 7 काम, फिर 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 7 काम, 45 और 3 48, अब हुआ है काम 48। अब एग्जाम में तो ऐसे करेंगे नहीं कि 3 7 3 7 3 4 3 4 3 4 लिखे, ना, सीधा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट इसके पास जाता हूं, सर 6 से गुणा करो, 6 से गुणा करो। आपके समझ में आया, 12 दिन में आपने काम किया है वो है 42, 12 डेज में जो काम हुआ है वो कितना है 42, उम्मीद करता हूं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आती है, वो सीधा भाग देंगे, 48 में 6 का भाग दिया, 6 छिके 36, 7 छिके 42, 8 छिके 48, सॉरी 7 का भाग दिया, 7 छिके 7 पांचे 45, 7 पांचे 35, मेरे को पढ़े भी नहीं आते, 7 छिके 42, 6 बार भाग गया 42, फिर बच गए 6/7, अब 2 से गुणा कर लो सर, डबल कर लेते हैं, 2 दिन के हिसाब से 12, फिर 12/7, फिर बन गए 1/13, 13 सही 5/7, वो मतलब अपने तरीके लगाएंगे और 13 सही 5/7 ऑप्शन टिका देंगे, और गलत। इसमें सीधा भाग कभी मत दे देना, पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें एक ही डिफरेंस है, डायरेक्ट भाग नहीं जा सकता, मैं ऐसे 2 क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। अब हमें पता चला 12 दिन में जो काम हुआ है वो 42 काम हुआ, बारी किसकी है, बारी किसकी है, ए की आएगी, ए आएगा, 3 ही काम करेगा और चला जाएगा 1 दिन लेके। अब सुन लेना ध्यान से, कौन आएगा, बी, 45 हो चुके, बी से 3 ही काम करवा सकते हैं और ये हो गया काम 48। समय लिखना है बी का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सुन लो फिर से, बी का समय लिखने का, समय कैसे निकाला जाता है, कितना काम किया, कितनी क्षमता से किया, और टोटल हो गए 13 सही 3/4। ये क्वेश्चन बहुत सही तरीके से करना है, ध्यान, हाँ वो मैंने मैम करके बता दिया था, मैंने 7 × 6 जो भी था, समझ गए मेरी बात को, एक बार फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सामने मैं एक बार फिर से कराता हूं, आराम से एक बार फिर से रिपीट करता हूं। हमने क्या किया, ए का लिखा, बी का लिखा, ये सब कुछ सेम है, फर्स्ट डे सेकंड डे 2 दिन का काम 7, हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 42 बन जाए, 48 बन जाए, जो भी है, 7 छिके 42, 7 सात 49, 49 नहीं ले सकते, ज्यादा है 42, 42 तो 12 दिन में 42 काम, नंबर आएगा ए का, ए काम कर सकता है 3, 42 और 3 45, एडजस्ट करना पड़ेगा, बचा काम 3, 3 काम कौन करेगा, बी, बी के टाइम को निकालते समय ध्यान देना, बचे हुए काम में उसके एफिशिएंसी का भाग देते हैं तो टाइम आता है 3/4। आधे बच्चे ये प्रॉब्लम में आते हैं, 3/4 कैसे आया, काम कितना किया 3, क्षमता कितनी है 4, 3/4, तो ये होता 13 से 3। वेल डन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पी क्यू आर कर्मशः 10, 15 और 30 दिनों में एक काम करते हैं, पी प्रतिदिन काम करता है, क्यू और आर पहले दिन से पी को एकांतर दिन में हेल्प करते हैं। अब देखो कैसे, पहला काम पी का 10 लिख दिया, क्यू का 15 लिख दिया, आर का 30 लिख दिया। मैं भी ये इसीलिए आज इतने अच्छे और प्यार से पढ़ा रहा हूँ, काश वो भी वीडियो की तैयारी कर रही होती, मेरी क्लास देख रही होती है। चलो आ जाओ, अब हम यहाँ पे देखते हैं, 30 लिखते हैं, 30 लिखा, इसका भाग 3 बार, इसका भाग 2 बार, इसका भाग 1 बार, अब हमारे काम हो चुका है। अब ध्यान दो, गेम शुरू होगा यहां से, क्या गेम शुरू होगा सर, ड्रा क्यों रहे हो, अरे तुम कहां डरने वाले हो, पहले दिन कौन आएगा, पी प्रतिदिन काम करता है, लेकिन ये जो Q और R है ना, ये घूम घूम के काम करते हैं, तो पहले दिन P के साथ आएगा Q और अगले दिन P के साथ आएगा R। ये है भैया मेरा फर्स्ट डे, ये है मेरा सेकंड डे, किसी का रिचार्ज खत्म हो जाए मेरे से पैसे ले लेना, रिचार्ज करवा लेना, ठीक है, क्लास के बाद पैसे लेना, पहले मत मांगने लगे। अब बताओ P और Q कितना करेंगे एक साथ, P प्लस Q 5, P प्लस R 4, समझ में आया यहां तक, जिसने लाइक नहीं करके लाइक कर दो, वीडियो में अब सारे लेवल करा दूंगा भाई, टेंशन फ्री रहो, डन होए सर, इसमें काई समस्या हमको, हमको बिल्कुल डर ना लागे, हैं हमको काई घबराहट, पहले दो तो दो काम कितने में, नौ काम कितने दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में कितना काम, 9 काम, 9 को कितने से गुणा कर सकते हैं, 3 से, 9 × 27, 3 से, तो कहने का मतलब 6 दिन में केवल और केवल 27 काम हुआ है,
6 डेज 27 का, अभी भी तो पूरा तो हुआ नहीं। बहुत बार ऐसा होगा सीधा गुणा हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 36 होता तो 4 से गुणा करता, 4 से 8 दिन में 36 निपट जाएगा। सीधा गुणा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी भाई, जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ क्लास नोट्स ई बुक सब मिलेगा फ्री, पीडीएफ के लिए डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। टेलीग्राम मैथ्स विद भाटी सर का टेलीग्राम है, उसी को ज्वाइन कर लेना वहां से, ठीक ओके। अब देखो 27 हो चुका, बारी किसकी आएगी, एक एक ही बारी आएगी, या इन दोनों की, इन दोनों की आएगी, पी और क्यू, कितना काम कर सकते हैं, 5 करवाना ही नहीं है, 5 क्यों करवाएं, 5 कितना काम करवाना है, 3 का, इनके लिए टाइम कितना आएगा, 3/5, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, 3/5, तो टोटल लगेगा 6/3/5, 6/3/5 ऑप्शन है क्या, चलो इसको सही कर लेना, आप इसको सही कर लेना भाई, ओके ऑप्शन को सही कर लेना, 3/5। देखो ऑप्शन में कहीं पे भी कोई गलती हो, कोई दिक्कत हो, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है टाइपिंग पे, और अगर इन केस कोई टाइपिंग एरर हो डोंट वरी, वो मैं सब कुछ सही करा दूंगा, इसलिए मैं ऑप्शन ही नहीं देता, आज तो मैंने ऐसे ही ऑप्शन दे दिया खुशी खुशी में, वरना अपनी क्लास में कोई ऑप्शन का गेम नहीं होता है, क्या देना ऑप्शन, ऑप्शन में गलती हो तो फिर बच्चे हु अल्लाह करते हैं, हमारा काम आपको कंसेप्ट सिखाना है, मैं कंसेप्ट सिखाने पे काम ज्यादा करता हूँ, ऑप्शंस का कोई लेना देना नहीं है मुझे ज्यादा। अरे भाई मांड दे, ये क्या हो गया, मांड क्यों नहीं रहा, ठीक डन डन भाई ओके आगे बढ़े, चलेगा यहाँ पे 6/3/5, तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला समझाया अच्छा लेवल था, अल्टरनेट वाला समझाया अच्छा लेवल था, मेरी तरफ से ये टाइप भी पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है भाई ओके डन। अब देखो क्या हुआ, एबीसी ए कार्य को अलग अलग इतने समय में करते हैं, एक साथ शुरू किया किंतु कार्य बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम कितने दिनों में होगा। सेम फंडा आपको अपनाना है, फर्स्ट ऑफ ए का टाइम लिखना है 16, बी का टाइम लिखना है 32 और सी का टाइम लिखना है 48। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप कहो तो 96 लिख दूं, आप कहो तो 96 लिख दूं, चलो सर लिख दो फटाफट, 96 एलसीएम आया, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, 96 के अंदर भाग जाता है क्या, जाता है सर, 16 5 80, 16 6 96, 32 दिए, ये लीजिए दो बार भाग दे भाग दे दिया, यहां तक सब में सेम है। यहां करने के बाद हम एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे सर, ध्यान दो भाई, हमने यहां पे समझाने के लिए लिखा कि स्टार्टिंग में तीनों आते हैं, आप समझिए स्टार्टिंग में तीनों आते हैं, लेकिन लेकिन बोला गया है बी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले, सी 6 दिन पहले यानी कि आप लोग ये लीजिए ये 6 डे है, और यहां से कौन भाग गया काम से, सी काम से भाग गया, सी ने काम छोड़ दिया था 6 दिन पहले, कहां से, काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्ति से 6 दिन पहले लेना है, लास्ट से लेना है, शुरू से नहीं लेना। अब देखो इसने 6 दिन पहले छोड़ा और इसने 8 दिन पहले छोड़ा, तो 6 के बाद कितने दिन और बचेंगे, 2 दिन और बचेंगे, ये यहां पे काम किसने छोड़ा, बी ने काम छोड़ा। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो यहां तक की चीजों को नहीं समझ पाएगा, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम, कोई ऐसा बालक जो यहां तक की चीजों को नहीं समझ पाएगा, बोलो डन, जिनके मैथ्स कमजोर है केजी, डोंट वरी टेंशन फ्री रहो। ओहो जयमन साहब, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, अरे 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 बिल्कुल बिल्कुल, रोहित है क्या। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे भाई हमारे अनकेडमी राजस्थान पे 125-30 स्टूडेंट्स लाइव आ, वहां जा सकते हो, वहां पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, दे दड़ादड़ दे दड़ादड़, इधर लास्ट से छोड़ा, लास्ट से छोड़ दो, काम एंडिंग से छोड़ रहा है, एंडिंग से स्टार्टिंग से होता है, स्टार्टिंग से। अब बारी आती है कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, समझाने का प्रयास करता हूं। अब इधर से पढ़ना शुरू करें, इधर से कैसे, ए बी सी आए, बी गया, आगे कौन जाएंगे, सर बी गया तो आगे जाएंगे ए और सी, कौन जाएंगे काम पे, ए और सी, सर आगे से कौन गया, सी गया तो आगे कौन जाएगा, ए जाएगा, ये चीज समझनी आप, इधर से छोड़ा है लेकिन इधर से समझिए, बी गया तो ए और सी बचेगा, सी गया तो ए बचेगा अकेला, अब ए ने अकेला काम किया, कितने दिन किया, 6 दिन, 1 दिन में कितना काम, 6 काम, तो ए ने कितना काम किया होगा, 36 दिन, 36 काम, यानी 36 दिन नहीं, सॉरी 36 काम,
अब देखो यहां पे किन्होंने काम किया है, यहां पे काम किया है 2 दिन तक, किन्होंने किया है? ए और सी ने। ए और सी कितना काम करते हैं? 8 दिन। 2 दिन में कितना करेंगे? 8 × 2 = 16 काम करेंगे। तो भाई 16 काम ये हो गया, 36 काम ये हो गया, बचा हुआ काम इनके लिए है। आप मुझे बताइए, 96 में से 36 गया, 60 बचा। 60 में से 16 गया, 60 में से कितना गया? 16 गया। कितना काम बचा रिमेन? आप बोलोगे सर समझ में आ गया, पीछे बचा 44 काम। कितना बचा? 44 काम। कौन करेगा? सर जो बचा है, जिनके लायक बचा है वो तीनों थे, और कितना कर सकते हैं? तीनों 11। 44 के अंदर किसका भाग दिया सर? 11 का। कितने दिन आ गए सर? 4 दिन। वेल डन, चीजें इजी वे में क्लियर होती है। ये छोड़ने वाला, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, आगे पीछे से कहीं से भी छोड़ सकता है। एक बार वंस मोर रिपीट करते हैं, यहां तक का सबका सेम प्रोसेस है। ए बी सी ने काम शुरू किया, लास्ट से 6 दिन पहले सी ने छोड़ा 6 दिन, और 8 दिन तो इसके हिस्से में 2 दिन बचेंगे, 6 और 2 8 होते हैं, 8 दिन इधर आते हैं। तो बी ने छोड़ा, स्टार्टिंग से पढ़िए, ए बी सी आए, बी गए, ए बी सी बचे, ए सी में से सी गया, ए बचा। ए ने 6 दिन किया, 1 दिन में 6 काम, तो 6 × 6 = 36 काम। आगे का काम इधर वाला किसने किया होगा? ए और सी ने 2 दिन काम किया, ए और सी का 8 काम, 2 दिन का 16 काम, टोटल घटा दिए 44 बचा। किसके लाइक बचा? तीनों के, ए बी सी के। रिमेन काम 44, कितने की एफिशिएंसी से? 11 की एफिशिएंसी से, और 44 में 11 का भाग दिया, देन यू गेट 4। क्या बात है, रिपीट कर दिया मैंने भाई राकेश, थोड़ा फास्ट रिपीट किया। अब सुनो, 10 घंटे पढ़ाऊंगा, मेरा गला जवाब दे जाएगा, इसलिए मुझे आपका सहयोग बहुत चाहिए। एक बार सहयोग, जैसे चैप्टर खत्म होगा आप शेयर करोगे। देखो अब पूछा क्या, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ टोटल? अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको पूछे टोटल, तो 4 दिन, 5, 6, 6, 6, 12 दिन। आप बोलते सर 12 दिन, सी आ जाता। फिर कोई के मन में कीड़ा जगता, नहीं हमें तो ये बताओ ए कितने दिन में काम करता है, ए यहाँ पे कितने दिन में आया, ए मतलब कितने दिन तक काम पे आया, ए ए कितने दिन? आप बोलोगे सर शुरू से एंड तक ए ही था, 12 दिन, 12 ही दिन। कोई बोलेगा सर आप मुझे बताओ शुरू से बी ने कितने दिन बाद लेफ्ट किया, बी ने कितने दिन बाद लेफ्ट किया? शुरू से चिन्ह लगाया मैंने इधर से, स्टार्टिंग से बी ने कितने दिन बाद लेफ्ट किया? आप बोलोगे सर बी गया कहां पे? यहां पे। तो आप बोलोगे 4 दिन बाद लेफ्ट, 4 दिन बाद। आप बोलोगे नहीं सर हमें तो ये बताओ तीनों एक साथ कितने दिन तक आते हैं? तो आप बोलोगे 4 दिन तक ही आते हैं, यहां से तो गायब हो गए थे। अब कोई ऐसे पूछ लेगा चलो शुरू से हमें ये बताओ ए ने कितने दिन बाद लेफ्ट किया? वो मतलब एग्जामिनर पे डिपेंड है, तो ए ने यहां आके लेफ्ट किया था, तो ए ने या किसने? ए ने नहीं, सी ने। सी ने कितने दिन? सर 4 दिन ये रहा, 2 दिन ये रहा, शुरू से 6 दिन बाद सी ने लेफ्ट मारा था। तो पूछे कुछ भी उत्तर यहां है, यहां का 4 है, यहां का 2 है, यहां का 6, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है, सब कुछ लिख सकते हो। डन, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से। ए भी किसी काम को 45 और 40 दिन में करते हैं, कितना लू? ओहो सर भाग जाना चाहिए, 40 का भी जाना चाहिए, ऐसे तो पंगा पड़ जाएगा। देखो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, कभी कभी 40 का भाग जाना प्रॉब्लम में करता है, 45 का भाग 90, 90 में नहीं जाता 40 का, तो 9 × 2 = 18, 180 में भी 40 का नहीं जाता, ठीक है ना? ऐसे तो 180 में नहीं जाता, फिर 360 ही बनता है, 360 ही बनता है। 45 का भाग 8 पर, इसका भाग 9 × 36, 8 पर जाता है, ठीक। आपको पूछा काम शुरू किया, ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने से इस काम 23 दिन में पूरा किया, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? सेम फंडा, ठीक। ए गायब, छू मंतर, ए गायब तो कौन करेगा काम? बी करेगा। कितने दिन तक? 23 दिन। ये चीजें बहुत मायने रखती है आपके, 23 days। कौन? बी। 1 दिन में कितना काम? 9 काम। 23 को 9 से गुणा कर लो, 9 × 3 = 27 का 7, कैरी बची 2 × 2 = 18, 2 × 20 = 207। कितना काम हो गया? 207 का। हाँ कंप्लीट मैथ्स होगा चारू जी,
कितना काम हो गया? 207। कितने में से? 307 में से। किसी की कोई समस्या? अरे 207 ही होगा क्या? एक बार फिर बताओ। ए भी काम को 40-45 दिन में करते हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, किंतु ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, निकला फड़ाड़ा, बी ने इतने दिन किया। शेष काम कितना बचा वो बताओ मुझे यहाँ के लिए, शेष रिमेन। आप बोलोगे सर जो रिमेन काम बचा है ना वो है हमारा 207 घटा दो सर, 160 में से 153। 153 153 सर मिलके काम करते हैं तो 17 काम करते हैं, 17 का भाग देंगे तो ए और बी मिलके करेंगे ना सर, तो 9। क्यों? क्योंकि यहां वाला काम कौन करेगा? 153 को दोनों करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 17। आप बोलोगे सर 9 दिन। तो पूछा है ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, देखो घुमा दिया आपको। अब आपको वही क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं, है? 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? टोटल कितने दिन चला? टोटल आप बोलोगे सर 9 और 23, 32 दिन। ठीक, हो सकता है आपको इसने पूछा कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, ए लेफ्ट। आप बताओ ए लेफ्ट कितने दिन बाद किया? आप बोलोगे सर 9 दिन बाद। ये पूछ लेता दोनों ने साथ कितने दिन किया, 9 दिन बाद। हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा, चीजें समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। डन सोनू जी, गुड मॉर्निंग। रवि भाई गुड मॉर्निंग। अमित गुड मॉर्निंग। राकेश, राहिल, ये चीजें समझ में आ गई आपके? मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की आपके कोई समस्या। तो इस प्रकार से किसी का जाना और किसी आना आपको करना आना चाहिए। एक घंटा हो गया, अब क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्पीड से लेंगे भाई, ठीक है? एक घंटा हो चुका है, अब स्पीड से करेंगे। बी ने अकेले 32 दिन नहीं है भैया, हाँ मतलब बी शुरू से एंडिंग तक था, तो बी ने 32 दिन तक आया काम पे, वो चल जाता। अब हम थोड़ा स्पीड से लेंगे, अब तैयार रहो। एक घंटे आराम से किया मैंने, बहुत अच्छे से किया, आप लोग बहुत प्यार से बने हुए हो। अब चैप्टर की स्पीड बढ़ा देंगे, अब मैंने बहुत अच्छे से समझाया चीजें आपको। एलसीएम लेना आता है तो सब कुछ आता है। अब देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना पढ़ाया वो सब कुछ। आपको सब कुछ एलसीएम पे डिपेंड है। एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, दो लोगों का भी हो सकता है, किसी प्रकार से दो का देके एक का भी पूछ सकता है, आपको फ्रैक्शन चीजें पूछ सकता है, आपको सक्सेसिव मेथड, मतलब सक्सेसिव क्या ये अल्टरनेट मेथड पूछ सकता है, और आपको ऐसे अल्टरनेट में चीजें घुमा सकता है कि एक के साथ दो दो जने आए, यहाँ पे सिंगल सिंगल था, यहाँ पे एक के साथ दूसरा जुड़ के आए। पढ़ना है बस वहां से, फिर आपको ऐसे घुमाने पिनाने के बाद आपको पता चले कोई छोड़ के जा रहा है, किधर से भी जा रहा है, बीच में से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा लिखा है वैसा कर लोगे, डायग्राम बना लेना, आराम से हो जाएगा एग्जाम, परेशान नहीं होने का। अब यहां जैसे छोड़ के गया आया, ये चीजें करनी आनी चाहिए बहुत ही खूबसूरती से, और इतना ज्यादा टफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता हो, आपको ये करना आने लग जाएगा बीच में से छोड़ना वोड़ना। सभी मुझे बताइए क्या आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने लग जाएगा कि सर कहीं से भी भागो काम करके जा, बीच में पैसे नहीं लिए क्या तुमने? बताओ कोई समस्या, ऐसे कर लोगे ना? बिल्कुल सर, यू हाँ आई नो वेरी वेल कि आप कर लो। चलिए यहाँ देखो, यदि पी आदमी, अब देखो मैं आपको इसमें समझाता हूँ MDH पे, MDH, W और RS, खास कर ध्यान रखना ये यूनाइटरी मेथड का है। M का मतलब होता है आदमी, डे आता है उसके बाद, डे उसके बाद है ओवर, घंटे आता है, जिसमें से जो चीज गायब हो उसको हटा देना, वर्क आता है और पैसे आते हैं। तो ये चीजें आपको जो दी हुई है वही लिखना। जैसे देखो पी आदमी, पी घंटे, पी दिन, पी घंटे काम करते हैं, और कितना काम संपन्न करते हैं, पी वर्क। तो एन आदमी, एन दिन, एन है ये, एन आदमी एन दिन में एन घंटे काम करके कितना इकाई काम करेंगे, नीचे वर्क पूछा है यहाँ का, दूसरे वाले का वर्क पूछा, बस बराबर रखना है। दो केस बनेंगे ऐसे क्वेश्चन में, बराबर दिखाना और सोल्व करना। एक पी से एक पी लुढ़क गया, W2 यहाँ चला जाएगा, इधर जो बचेगा वो n क्यूब के बटे में p का स्क्वायर बचेगा, n क्यूब के बटे में p का स्क्वायर बचेगा। तो चीजें बहुत ही खूबसूरती से जोड़नी आनी चाहिए। सात व्यक्ति, ये फॉर्मूला काम करेगा अभी, सात व्यक्ति, पांच व्यक्ति सॉरी, सात घंटे, पांच व्यक्ति सात घंटे काम करके एक प्रवेश सूची आठ दिन में तैयार करते हैं, आठ दिन में। इस
यदि इस कार्य को 4 दिन में, अब देखो W2 नहीं है, पैसे नहीं है, इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करना हो तो दो व्यक्ति और सम्मिलित किए, 5 की जगह आदमी हो गए 7। मैं लिख देता हूं अलग पेन से, 5 थे आदमी हो गए 7, 5 की जगह 7 चलेगा। अब इस काम को 4 दिन में करना है, चलो 4 दिन लिख दिए, तो प्रतिदिन कितने घंटे, आपको दूसरे वाले का घंटे पूछा, S2 मतलब दूसरी कंडीशन का ओवर पूछा। सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे आते हैं, सब आते हैं। मैं अब विधाता नहीं हूं फिलहाल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने ट्रस्ट किया है तो आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते, आपका हितेशी होने के नाते, है बाबा श्याम का भक्त होने के नाते, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। हम बहुत अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, डोंट वरी। ओके, अब ये क्या रहा हमारा, एन क्यूब बटे में एन पी स्क्वेयर हो जाता, सिंपल था। अब ऐसे ही हमने ऐसे किया, 7 से 7 काट दिया 2 बार, तो S2 का मान आ जाता 10 ओवर। तो प्लीज बी पेशेंस, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, धैर्य रखें। ओके डन, ठीक है। ओके डन, चलो नेक्स्ट। सेम फंड है, 3 करा रहा हूं एमडीएच पे, एक एमडीएच पे हुआ, दूसरा एमडीएच पे हुआ, तीसरा एमडीएच। 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पे 8 दिन का, 6 बर्नर, 6 घंटे, 6 दिन, और पैसे हैं, ध्यान रख लेना पैसे नीचे आएंगे, काम नहीं दे रखा क्या। चलो तो 625 रुपए प्राप्त करने के लिए 10 दिन तक कितने बर्नर चलाने होंगे, यानी यहां पे जो पूछा है यहां वाला क्वेश्चन, 10 दिन तक 5 घंटे के हिसाब से ऐसे पूछा। कोई डाउट ना सर? ना ना, कोई समस्या नहीं। अब देखो हमें पता है 5 का भाग जाता है 25 बार, 25 का भाग जाता है 18 बार, 6 का भाग जाता है 3 बार, 3 का भाग जाता है 2 बार, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आता 12 बर्नर। और मुझे पता है आप लोग, बर्गर नहीं है ये, लड़कियों की अक्सर मुंह में बर्गर नाम सुनते ही है, बर्गर नहीं है बर्नर है, ठीक है। 8 करो, कहां करना था 8? हाँ तो 5 7 8 है, 8 ही तो लिखा है, ठीक है। 4 2 सही, हाँ तो 7 हो गए ना, 4 2 दिन में पूरा करने, ठीक है। 8 कहां लिखूं, कोई ना 8 मान लो रे भाई, तुम लोग क्यों जान खा रहे हो, 8 6 जो भी है। अब इसीलिए बोल रहा हूँ बीच में कोई कमेंट मत किया करो, फिर क्या होता है चीजें भटक जाती है, भटक जाती है, समझ रहे हो बात को, आगे से ध्यान रखना, कोई भी अनाउंस कमेंट करता है फिर चीजें भटक जाती है। 16 कर लो भाई, ठीक है। ओके 16 कर दिया मैंने, डोंट वरी। ओके ओके वो कर दिया मैंने, तो लेकिन मेन चीज तो आपके समझ में आ गई ना कैसे करना है, मेन चीज तो समझ में आ गई होगी आपको कैसे करना है। किसी के कोई डाउट? अब आ जाओ फिर से, अब मैं यूनाइटरी मेथड छोड़ रहा हूं, पहले ही बोल रहा हूं ये यूनाइटरी मेथड छोड़ रहा हूं, आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए एमडीएच कंसेप्ट पे, ये कंसेप्ट पूरा हो चुका। पहला एमडीएच का क्वेश्चन ऐसे करवाया मैंने, कुछ पी 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 एन 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 देके, ताकि आप कंफ्यूजन में नहीं आओ। फिर मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी करा दिया, ध्यान रख लेना। तीसरा मैंने पैसे का कराया, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर रुपया दे देता है और तुम्हारे रुपये बस की बात नहीं है, पॉकेट में डालने की सोच लोगे, पैसों को नीचे रख देना, यहाँ पे किसी ने उठाए ना पैसे तो देख लेना पाप लगेगा नीचे रखने पैसे, समझिए इस बात को। ओके डन, वेल डन भाई, वेल डन। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 पुरुष, अब आपका एफिशिएंसी पे चला गया है, अब एफिशिएंसी का काम होगा सारा। 5 पुरुष मतलब मैन, किसी काम को 6 दिन में, वही काम पटवार में क्वेश्चन बहुत आए हैं यहां से, 10 लुगाइयां 5 दिन में करती है, ऐसे लिख लो। अब हम यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे, ध्यान देना पटवार में बहुत क्वेश्चन आए, 5 का भाग 5 से कट जाए, 5 का भाग 2 का भाग 3, एम बटे डब्ल्यू निकालेंगे 5/3, ये 5/3 क्या है इनकी एफिशिएंसी। ऐसा कर लोगे, किसी के कोई समस्या आएगी क्या, ये आपको करना आना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम टोटल वर्क की, जो साथियों ये दी हुई लाइन है ना, ये टोटल वर्क है, क्योंकि 5 आदमियों ने 6 दिन काम किया वो भी कुल वर्क, 10 लुगाइयों ने 5 दिन काम किया ये भी कुल वर्क, कहीं पर भी मान रख लो कुल आ जाएगा। 5 रखोगे 25 × 6, 3 × 5, 3 रखोगे तो 30 × 5 150,
और यहाँ 5 रखोगे तो 25 × 6 150, टोटल वर्क जो बनेगा वो 150 बनेगा। डन। अब इस काम को 150 काम को करवाना किन से? 150 काम को करवाना है 5 पुरुष और 3 महिलाएं। 150 काम को 5 महिलाएं 3 पुरुष, 1 महिला कितना काम करती है? 3। तो 5 महिलाएं कितने करेगी? 15 काम। 1 पुरुष कितना काम? 5। तो 3 महिलाएं कितना काम कर? पुरुष करेंगे 15 काम। मिलके टोटल काम कितना किया? 30। करवाना कितना है? 150। 150 काम को 30 के हिसाब से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 5 डेज। 5 डेज लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, पूरा सिलेबस कराएंगे सोनू जी, टेंशन फ्री रहो। वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ भटकने आते हैं, प्लीज आप ना पेशेंस के साथ जुड़े रहो, मेरे को लगता है आप यहां तक कर लोगे। कोई समस्या नहीं आएगी? ओके सर, बिल्कुल। चलो एक बार और फिर से करवाते हैं, आपको ध्यान रखना आराम से। 7 पुरुष या 7 महिलाएं, 7 महिलाएं, मुझे क्या आदमी लोग ज्यादा उल्टे ही दिखते हैं। 3 पुरुष 3 मेन, अब की बार कंबाइंड है 7 वुमेन, कंबाइंड दे रखा है 5 दिन। ओके सर, जबकि 4 पुरुष तथा 6 वुमेन 4 दिन में। लिख लिया, जैसा दिया वैसा ही लिखना, सबसे बड़ी बात, जैसा दिया वैसे। 3, 7, 5 दिन में, 4, 6, 4 दिन, सरल करो। अब गुणा करना पड़ेगा, 5 × 3 = 15। ग्यारह बटे एक, हाँ 11/1। अब देखो सबसे बड़ा काम टोटल वर्क, आप यहाँ पे TW बनाई, कहीं पर भी मान रख दीजिए, कहीं पे भी TW के लिए कहीं पर भी मान रख दीजिए। 11 × 33, 33 × 7 = 40, 40 × 5, टोटल वर्क बनेगा 40 × 5। ये मान रख दीजिए, ये भी TW है, ये भी TW है, सारा कुछ TW है। ये इतने लोगों का किया हुआ काम, इतने लोगों का किया हुआ काम बराबर है, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। 10 स्त्रियों के दल को उसी गति से वह काम पूरा करने में कितने टाइम लगे? 10 स्त्रियां हैं, 10 लुगाई, 1 लुगाई की 1 क्षमता, तो 10 के हिसाब से ही करेगी। 10 के हिसाब से काम करवाओगे ना इनसे, कितना काम करवाना है आपको पता है, 200 काम करवाना है, और 10 के हिसाब से करवाओगे तो 20 ही दिन लगेंगे इन महिलाओं को, 20 दिन लग हो जाता ना। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये बनाने में दिक्कत आती हो, यहां से यहां तक मेन मैटर करता है एफिशिएंसी निकालना, बाकी कुछ भी नहीं है। एफिशिएंसी में फिर रिपीट करता हूं, हमने एफिशिएंसी निकाली, काम बनाएंगे टोटल, टोटल काम बनाना आना चाहिए, टोटल वर्क, जो भी टोटल वर्क है जिनसे करवाना है भाग दे दो। यहां पे हमने टोटल वर्क बनाया, जिनसे करवाना है उनका भाग दे दो, उनका काम बनाएंगे, 1 दिन का काम है 10, 200 काम करने में 20 दिन, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पटवार में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको समझाता हूं, पटवार में एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर 1 की एफिशिएंसी 0 हो गई, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पे m का मान 0 आ गया, तो m 0 रख देना, बाकी सेम रख लेना, फिर w क्या बचेगा, w का मान w ही लिखना। जैसे मान लो 10 वुमेन, तो यहां 10 W लिख लेना, भाग देना, ये W से W कट जाएगा, ऐसा होगा। या फिर आप एक काम करना, जब M 0 हो जाए तो W का मान 1 रख लेना, सीधा काम है, M 0 तो W का मान 1 रख लेना, doesn't matter, M मतलब कोई भी एक संख्या 0 हो जाए, ऐसा पटवार में आया हुआ है, मैं आपको समय मिला तो बीच में करवा दूंगा। हाँ तो 1 मेन और 1 वुमेन का ही निकाला भाई मेरे, और कोई तरीका नहीं होगा। आप सुनो, अगर अलग अलग दे रखा है ठीक है, लेकिन तथा दे रखा हो ना तो 7 में है, ये कंबाइंड है, एक साथ आ रहे हैं इतने लोग, एक साथ आ रहे हैं, टाइप बदलते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत यूनिक, मैं आपको फिर समझाऊंगा, मैंने आपको कितने वेरिएंट करवा दिए हैं, जैसे कोरोना के 3 वेरिएंट आ चुके हैं वैसे ही ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अलग है। विद्यार्थी जीवन में कितना संघर्ष होता है आपको, तो फिर अकेले टीचर जीवन में भी इतना ही संघर्ष है, आपकी मैडम होती तो इधर उधर गैजेट्स चालू कर देती, लेकिन मुझे देखने पड़ेंगे।
अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ए अकेला है ना, ए बी की अपेक्षा है ना, दे रखा है 27 घंटे ज्यादा लेता है। अब समझो ए बी है, इनको जितना भी टाइम लगता है हमको नहीं पता, और इसकी बजाय ए जो टाइम लेता है ना, इनका टाइम मान लो आपको एक्स लगा, एक्स लगा ना, तो ये एक्स से 27 घंटे ज्यादा लेता है। ऐसे ही आपके पास बी है जो भी इसको टाइम लगता है एक्स, और एक्स से कितने ज्यादा लेता है, 3 घंटे ज्यादा लेता है। मैंने आपको कल ये टेस्ट में भी दिया था और मैंने आज तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए इसे डाल भी दिया। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, नादाउद साहब स्वागत है आपका। ओके गाइस, मेरे को लगता है यहां तक आपके कोई समस्या नहीं है, चार्जिंग ओनली, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन कंसेप्ट रखता है, एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जाम में आता है तो फोड़ दोगे, वरना नहीं फोड़ पाओ। लाइक मैंने इसका डिटेल समझाया हुआ है, बार बार डिटेल नहीं समझाएंगे। इसके लिए आपको अगर एक्स का मान निकालना है डायरेक्ट, तो जो ये ए बनेगा इसको बोलते हैं हम ए, इसको बोलते हैं हम बी, ये अंडर रूट गुणा में आएगा ए बी, ध्यान रख लेना। इसलिए टोटल टाइम निकालना हो तो ये आए 27 × 3 81, यानी कि 9 बनेगा, तो इसका मान आएगा वो 9 घंटे है, तो घंटे आएगा 9 ओवर। आप समझे मेरी बात को, अगर आपको तीनों मतलब ऐसे पूछे दोनों का टाइम बताओ, तो आप बोलोगे सर दोनों का टाइम तो 9 घंटे, आपको पूछे ए का बताओ, तो 9 और ये कितना हो जाता 36, और 9 और 3 12, अलग अलग भी निकाल सकते हो और एक साथ भी निकाल सकते हो। एक बार लाइक ठोक दो भाई इसके, इस खुशी में लाइक ठोको फटाफट। क्या आपको इस कंसेप्ट को देख के मजा आया कि नहीं आया, एक बार बताओ, मैं इधर हो जाता हूँ। आनंद आया कि नहीं आया भाई, अनअकैडमी तारीफ कर रही है। अभी एक मैं चैप्टर पूरा करा देता हूँ, फिर सेशन को शेयर करेंगे, डोंट वरी। आनंद आया कि नहीं आया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को पता है, अरे होगा ही होगा, ऐसे थोड़ी है कि आपसे नहीं होगा, है मेरे को पता है आप पे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि कर ही दोगे। अब ये अपने आप में अलग कंसेप्ट रखता है, डिटेल समझाना चाहो तो मैं एक बार आपको फटाफट समझा देता हूँ, कल को कोई हमारे नॉलेज पे अंगुली ना उठाए। इसका x मानोगे तो x प्लस 27, x प्लस 3, a के नीचे लिखोगे x प्लस, मान लो x प्लस 27, b के नीचे लिखोगे x प्लस 3, LCM जो आएगा x प्लस 27, x प्लस 3 आएगा। मैं हल्का हल्का फटाफट बता रहा हूँ, छोड़ दो जो समझ नहीं आए तो। एक्स प्लस 3 एलसीएम लोगे तो यहाँ एक्स प्लस 3 एफिशियंसी, एक्स प्लस 27 एफिशियंसी, टोटल टाइम के अंदर जब इसका भाग दोगे एक्स प्लस, फिर बनेगा पता है क्या, नीचे ऐसे बनेगा, भाग दोगे तो एक्स प्लस 27 बट एक्स प्लस 3 बटे में एक्स प्लस 27 एक्स प्लस 3 बराबर क्या बनेगा, बराबर बनेगा एक्स कितने घंटे है, टोटल मिलते हैं जो एक्स घंटे जो भी है, ढींगड़ा फलाना जो भी हम लिख लेते, जो भी था ठीक है कर लेते, और फिर मान मान निकालते, एक्स का मान निकालते, ये करते वो करते, आगे करते पीछे करते, और फाइनली एक्स का मान। इतना क्यों करें हम, हैं इतना क्यों करें हम। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट तो आपके समझ में आ ही गया होगा, सबके समझ में आ गया, बिल्कुल डन। तो ये बनता 9 घंटे, अलग से 9 घंटे कंबाइंड इनका ऐसे निकाल सकते हो, देखो दोनों का 9 आ गया, इनका भी निकाल सकते हो, मान रखे पूछे ए का बताओ तो पहले 9 निकालना फिर 27 जोड़ देना, का बताओ 9 निकालना 3 जोड़ दे। ओके भाई, हाँ कोई बात नहीं है, ये इसको भाई को करने दो रे, तुम परेशान क्यों हो। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, जैसे भाई है, करने दो मेहनत करने दो इसको, इसके कॉपी पेस्ट से अपने को क्या बिगड़ता है। तो ये चीजें मेरी तरफ से पूरी होती है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, कितने टाइप करवा दिए, टाइम एंड वर्क के 15 क्वेश्चन है, कोई टाइप बचा लास्ट के अंदर मैं पूरी फाइल चेक करूंगा मेरी सीट की, और कोई क्वेश्चन बचा तो मैं करवा दूंगा। मैं टाइप जितने हुए वहां पे ग्रीन मार्क कर देता हूं, ध्यान देना। ग्रीन शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं कुछ ऐसा लेता हूं भाई, बहुत प्यार से करेंगे, हमारा एक चैप्टर पूरा होता है। पहला टाइप शायद यहां नहीं दिख, कहां लिखूं मैं जहां दिख जाए, है ना, ऐसा पेन जो दिख जाता हूं वहां पे, रेड ही ले लेता हूं, रेड तो वो ऑलरेडी है, ब्लैक ब्लू ले लेता हूं, एक टाइप ठीक है, दो टाइप ऐसे तो आनंद नहीं आए मेरे, ये तो आपको पता ही अपने कीड़े हैं, है फर्स्ट टाइप T2 ठीक है, T3 मोस्टली एग्जाम में फंस जाएगा, किसी का छोड़ने वाला T4 डन, T5 डन, T5 या T6
T7। अब क्या होगा सुन लो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो बच जाता है इस टाइप का, तो मैं आपको वो क्वेश्चन, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप करा दूंगा। ठीक है भाई, किसी के कोई समस्या, वो मेरा काम है उसको करवाना। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया, इस क्वेश्चन में समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो आप लोग ऐसे मत सोचना सर कि आप धीरे क्यों करा रहे हो, ये चीजें आप आराम से चलने दो, मेरा काम है कराना, मैं आपको करा दूंगा वो, आप डोंट वरी, आप टेंशन फ्री रहो। ठीक, ओके। अब मुझे टाइम एंड वर्क का एक ही क्वेश्चन क्यों दिख रहा है यहां पे? पेज कम है क्या इसमें? हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में जो भी टाइप रहेंगे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको टाइप सोल्व करवाना। ओके, बिल्कुल भाई, ओके, वेल डन। आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे नए चैप्टर पे, वो हमारा चैप्टर रहेगा टीडीएस, समय धुरी चाल। किसी स्टूडेंट को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, अभी ऑफर है, आज 14 और 15 तारीख को 24 महीने पे 3 महीने फ्री है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भीम लाइव कोड से। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है आप मुझे पूछ सकते, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के लिए सारे एग्जाम्स की सिंगल फीस, ऑल एग्जाम सिंगल फी। मैं देखो बीच बीच में ये चीजें मुझे बोलनी जरूरी है, तो इसलिए आप इन चीजों को समझिए, ये फीस स्ट्रक्चर रहती है। 10% ऑफ के लिए आपको भीम लाइव लगाना, ये चीजें आपको सब पता है अच्छे से। टीडीएस पे आते हैं, आर यू रेडी फॉर टीडीएस? चलिए मुझे एक बात बताइए, टीडीएस होता क्या है, समय दूरी चाल क्या होता है? ध्यान दो, सबसे बेसिक चीज, टी बराबर डीएस, अगर सही फुल फॉर्म देखें तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे, मैं समझाता हूं, डिस्टेंस स्पीड कैसे, चलो आप मुझे बताओ, आप लोग मेरी शादी में आना चाहोगे क्या? हाँ, हुई तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे, वरना मैं बुलाऊंगा ही नहीं। मान लो मेरा घर, मेरा घर आपके घर से, अब मेरा घर छोड़ो उसका घर, 500 किमी आपके घर से कितना है? 500, और आप गाड़ी लेके जा रहे हो 100 की स्पीड में, कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। तो यही तो लिखा है मैंने, आपको टाइम स्पीड है आपकी गाड़ी की। या फिर आप ऐसे बोलो, सर मेरे को उसके घर जाना है, 500 किलोमीटर की दूरी है, वो बोल रही है 2 घंटे में आ जा, है 2 घंटे में, तो समझ जाना वो आपको पक्का ऊपर पर भेजने का प्लान बना रही है। क्यों? 2 घंटे में जाओगे तो तुम 250 की स्पीड से जाओगे, तो तुम रॉकेट में बैठ के जाओगे क्या? है रॉकेट में बैठ के जाओगे क्या 2 घंटे के? तो फिर पता चला 2 घंटे के चक्कर में ऊपर पहुंच गए, तो ध्यान रखना, है बुलाती है तो जाने का नहीं। अब समझ में आ गया सर, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मैं आपके सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, टाइम बराबर क्या होगा आपका, डिस्टेंस बटे में स्पीड। इसका उल्टा देखोगे इधर से डिस्टेंस लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट मैं डिस्टेंस से ही यूज करूंगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस के अलावा कुछ ही नहीं यूज करूंगा, तो प्लीज इस कंसेप्ट को ही ध्यान रखना। और अगर आप स्पीड निकालना चाहो, एवरेज स्पीड, तो जितनी दूरी है उसके अंदर उस टाइम का भाग दे दो, ये 3 ही फॉर्मूले। चलिए फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले हो गए। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट, किमी पर होवर टू मीटर पर सेकंड में प्रॉब्लम में आते, समझाना जरूरी है किमी पर होवर, समझाना जरूरी है, जरा बोले बिल्कुल समझाना जरूरी है, हाँ बिल्कुल, ओके। अब समझो किलोमीटर में कितना होता है, 1000, 1000। घंटे में कितना होता है, सेकंड बतानी है, 60 मिनट और 60 सेकंड। ये ऊपर तो आ गया मीटर और नीचे आ गया सेकंड, जीरो से जीरो काटोगे, ऊपर बचेगा 5, नीचे आएगा 18 मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर को जब हमने मीटर प्रति सेकंड में बनाया तो गुणा में आ रहा है 5/18, और मीटर को बनाएंगे तो 18/5। तो याद कैसे करने का, यहां पे लिखो किमी पर ओवर, एरो लगाओ, यहां भी एरो लगाओ, और यहां लिखो मीटर पर सेकंड लिखा। आप तो एक ही बात बता दो,
आप तो मुझे एक ही बात बता दो भाई, नेट रिचार्ज करा लेना, मेरे से पैसे ले लेना, और तो क्या करेगा, पढ़ने पे ध्यान दे लोगे बेटर रहेगा। अब बताओ किलोमीटर बढ़ा या मीटर बढ़ा? आप बोलोगे सर किलोमीटर बढ़ा, तो 5/18 बढ़ा या 18/5 बढ़ा? तो बड़ा ये है, छोटा ये बड़ा। तो बड़े में बनाने के लिए बड़ी संख्या से गुणा और छोटे में बनाने के लिए छोटी संख्या से गुणा। छोटे में बनाने के लिए 5/18 से और बड़े में बनाने के लिए 18/5 से, ये समझ लीजिए। किसी के कोई डाउट? हल्के फुल्के केस समझा देता हूं इसके सारे बेसिक, 5 मिनट का काम है। देखो कोई ट्रेन है, पहला केस, कोई ट्रेन है, आदमी, पेड़ और या जो भी पोल है, तीनों दे रखे हैं, खंबे, पेड़, व्यक्ति को पार करे कोई भी ट्रेन, तो क्या होगा? देखो आपको केवल ये दर्शाना है यहाँ पे क्या डिस्टेंस होगी और क्या स्पीड होगी। क्या डिस्टेंस होगी क्या यहाँ पे इनकी? नहीं होगी डिस्टेंस इनकी, नहीं होगी, केवल किसकी डिस्टेंस होगी? ट्रेन की। ट्रेन की ये स्थिर है, कॉन्स्टेंट है, भाग नहीं रहे हैं। और स्पीड जिसको हम लिखूंगा मैं RP, रिलेटिव स्पीड। आर स्पीड का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, इसके रिलेशन में। तो केवल स्पीड किसकी होगी? ट्रेन की होगी, ट्रेन की होगी, और किसी की स्पीड नहीं होगी। काम ठीक है, ध्यान रखना इनकी लंबाई चौड़ाई कुछ ही नहीं होगी, ये नेग्लिजिबल माने जाए। दूसरा केस, जब कोई गतिशील ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, मान लो ये आदमी भाग रहा है, दो डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो देखो सेम डायरेक्शन भाग रहा है, डिस्टेंस केवल किसकी होगी? ट्रेन की होगी, ट्रेन की होगी। लेकिन जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, RS लिख रहा हूं, रिलेटिव स्पीड, इसमें से ट्रेन की ज्यादा होगी और आदमी की स्पीड कम होगी। देख लो मैं लिख देता हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ आदमी, तो ज्यादा किसकी होगी, आदमी की या ट्रेन की? ट्रेन की। आदमी ज्यादा भाग नहीं सकता, आदमी कोई स्पाइडरमैन नहीं है, है? ठीक है, अब ध्यान रखना सेम डायरेक्शन थी, ओके। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? घटती है। अपोजिट कर लो, आपका अपोजिट डायरेक्शन कर लो, तो देखो डिस्टेंस केवल और केवल किसकी होगी? ट्रेन की होगी, ओके सर। लेकिन जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी, वो दोस्तों ट्रेन और प्लस उस आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी। तो क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं आराम से? ओल्ड टॉपिक करेंगे भाई, कोई स्टूडेंट ऐसे पूछे ना ओल्ड टॉपिक करोगे, तो आप कमेंट कर दिया करो अपनी ओर से, ठीक है? डन, वेल डन। चलिए, जब कोई गतिशील ट्रेन किसी गतिशील प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करे, ये मूव गतिशील यानी कि गतिशील होते हैं, कभी कभी मूवमेंट भी करते हैं, डजेंट मैटर, मूवमेंट मूवमेंट करे तो ठीक है, नहीं गतिशील नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मूवमेंट करेगा तो इसकी स्पीड होगी। भाई प्लेटफॉर्म मूव कर सकता है, इसलिए प्लेटफॉर्म मूव लिखा है मैंने, प्लेटफॉर्म मूव करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। मान लो नहीं कर रहा, आपकी बात भाई, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। अब देखो नहीं करे तब क्या होगा, हमारे पास यहाँ जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ट्रेन की भी होगी, ट्रेन की भी डिस्टेंस होगी, प्लस प्लेटफॉर्म की भी होगी, सुरंग की भी होगी, सुरंग प्लेटफॉर्म और क्या हो गया ब्रिज भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज, ठीक। अब देखो लेकिन यहां से अगर मैं यहां से स्पीड निकालू, रिलेटिव स्पीड, थोड़ा धीरे चलेंगे, रिलेटिव स्पीड, तो केवल ट्रेन ट्रेन की हो, ST की, जैसे मैं यहां पे भी ST लिख देता हूं, इजी रहेगा, ST की। डन। हाँ मूव प्लेटफॉर्म करते हैं, बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, स्केल रूलेटर मान लो जैसे चल रहा है, डजेंट मैटर, ओके। अब आइए फोर्थ में, कोई एक ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन जा रही है, जैसे ये जा रही है, देखो ट्रेन को पार करने का कंसेप्ट समझो, पहले ट्रेन इसके बराबर आएगी, जस्ट पहले जैसे मान लो ये बराबर है, तो धीरे धीरे चलती हुई एक ट्रेन इसके जो लास्ट वाला इंजन है वो इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, लास्ट वाला बॉक्स इसके इंजन के बराबर आ जाएगा, तो पार कर जाए। अब मान लो कि कोई ट्रेन यहां से थी, शुरू के अंदर एंट्री यहां करती है, ये ट्रेन एंट्री कहां करती है, ये ट्रेन चलती हुई मान लो जैसे यहां करती है, इस ट्रेन के ऐसे करती, तो पार करने के लिए इस ट्रेन को यहां पहुंचना पड़ा है, यहां,
तो ये खुद की लंबाई, ये भी लंबाई चली है इसने, और प्लस ये लंबाई चली है, तो दोनों की लंबाई काम कर जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, सेम डायरेक्शन में अब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ध्यान रखना आपका जो डिस्टेंस बोलोगे आप, तो दोनों की जुड़ेगी, डिस्टेंस जुड़ेगी। जुड़ने का मतलब आप समझिए क्या होता है, जो प्लेट ट्रेन फर्स्ट है प्लस ट्रेन सेकंड है, डिस्टेंस तो कभी भी नहीं घट सकती, याद रखना, लेकिन जो रिलेटिव स्पीड है वो आपकी घट जाएगी। वो कैसे, मान लीजिए ट्रेन टी की, टी टू या टी वन की ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी उसमें से कम वाले की घट जाएगी, आपके कोई मैटर नहीं करता, किसी एक की कम होगी किसी एक की ज्यादा। अब मैं यहां लिख देता हूं, जो स्पीड टी वन है वो ज्यादा है स्पीड टी टू की बजाय, बाकी मैं नाम नहीं लिख रहा, कोई सी भी ट्रेन टी वन हो कोई सी भी टी टू हो, समय नहीं है हमारे पास। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, डन, चीजें समझ में आ जाएगी आराम से, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो। जब विपरीत दिशा में गतिशील एक दूसरे को पार करें, अपोजिट डायरेक्शन, अब मान लो जैसे कोई ट्रेन इधर से चली और एक इधर से चली, पार करने का सेंस ऐसे होगा, ऐसे तो पार करेंगे तो एक तो इसकी लंबाई हो जाएगी और एक इसकी लंबाई। अपोजिट डायरेक्शन घटती है सेम में, सेम में स्पीड घटती है, रिलेटिव स्पीड ध्यान रखना माइनस, और अपोजिट में स्पीड जुड़ती है। कैसे, ध्यान दो, आपके पास यहां पे डिस्टेंस आएगी, आप बोलोगे सर ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन टू दोनों आएगी, लेकिन जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड सर ट्रेन फर्स्ट प्लस ट्रेन सेकंड जुड़ जाएगी। किसी के कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, मेरे को लगता है यहां तक आपके कोई समस्या नहीं, आराम से कर लेते पांचों केस। समझ में क्या आया, एक ही बात समझ में आई, जिसकी स्पीड है डायरेक्शन देखनी है, सेम डायरेक्शन है तो घटा लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है जोड़ लेंगे, लंबाई है तो जोड़ लेंगे, लंबाई जुड़ेगी जुड़ेगी, घटेगी नहीं कोई सी ट्रेन। लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग केस होता है, इसमें ध्यान देना, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे तो क्या तुम गलती कर बैठोगे। इसके अंदर एक कोई बाबू बैठा है, कोई भी बैठा है मान लो जैसे, और ये इसमें भी बैठा है, इसको पार करेंगे तो केवल इसकी स्पीड काम करेगी, और वो भी स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, इसकी जो ट्रेन की है, जो आपके ट्रेन की स्पीड है। तो इस डायरेक्शन में सेम दोनों, एक तो सेम डायरेक्शन एक अपोजिट, सेम डायरेक्शन में आपकी जो डिस्टेंस होगी वो तो दोनों ट्रेन की होगी क्या, नहीं, इसकी डिस्टेंस नहीं होगी, आदमी से रिलेशन है, ये ट्रेन केवल इतना काम कर रही है कि इसको स्पीड दे रही है, इसका काम केवल इतना है इसको स्पीड देना, बाकी कुछ नहीं। तो लेंथ केवल मान लो जैसे ये टी फर्स्ट है ये टी टू है, तो केवल टी टू की डिस्टेंस होगी, और जो स्पीड होगी ना रिलेटिव स्पीड वो आपकी, मान किसको पार कर रही है, टी टू इसको पार कर रही है, तो मैं लिख देता हूं स्पीड जो टी टू की है वो ज्यादा है स्पीड टी वन की, जिसकी स्पीड ज्यादा है तो ये स्पीड जो ज्यादा वाली में से कम वाली घट जाएगी, पहला काम। अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट डिस्टेंस ट्रेन टी टू की होगी, बस रिलेटिव स्पीड आपकी जुड़ जाएगी, वो आपको ध्यान देना है। तो मेरी बात को समझिए आप, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा इजी समझ में आएगा, ज्यादा इजी समझ में। ओहो दिख नहीं रही क्या, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो वो दिखती नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, डन। चलो करते हैं 45 की, देखो मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, ये वाला चेंज करने वाला, साथ साथ ही चेंज होते रहेंगे, छह कंसेप्ट देखो, फॉर्मूले बस वही है, 45 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे किसी दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रक की चाल है, सेम डायरेक्शन है, पहला काम डायरेक्शन चेक करने का, सेम डायरेक्शन घटेगा, डायरेक्शन वर्ड और लिख देता हूं,
150 किमी आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती। मैंने कहा एक ही फॉर्मूला लाइव जिंगा लाला, हर बार एक ही लिखना है, स्पीड इंटू टाइम, एस इंटू टाइम। बस है 150 मीटर आगे, बस को कौन पकड़ रहा है भाई? जो भी है ट्रक, बीच की दूरी 150 डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन, स्पीड घट जाएगी। अब देखो 45 किमी की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे ट्रक को पकड़ती है, तो बस की स्पीड ज्यादा है, तो बस की 45 कटेगी उसमें से ट्रक की स्पीड, जो भी मान लो स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक ST लिख दिया, ट्रक की स्पीड जो भी है। जो भी हमने स्पीड लिखी वो किलोमीटर में, ये दूरी मीटर में, 5/18 से गलती मत करना, और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, ये टाइम लिख दिया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये लिखने में समस्या आती हो? नहीं सर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये किस खुशी में, 5/18 आपको पता है, काटने पीटने का कार्यक्रम दर्शाएंगे भाई। 3 का भाग यहाँ 3, 6 का भाग 3 बार, यहाँ 5 बार, 3 से इधर गुणा काट ही लेते हैं, 5 का 25, 25 ही के 150, 6 6 18 और 45 माइनस स्पीड ऑफ टी, तो स्पीड ऑफ ट्रक लिख देता हूँ भाई, ट्रक की जो स्पीड आएगी 45 में से 18 कट जाए, 27 किमी पर आवर आए। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सर, पीडीएफ मिलेगी भाई, डोंट वरी, पीडीएफ मिलेगी। आप देखो किस दूरी कितनी तय की, हमारा एक ही फॉर्मूला डिस्टेंस, हमारा एक ही नारा वीडियो पार वीडियो पार, डिस्टेंस देखते हैं किसने कितनी दूरी चली, स्पीड 66 की, 5/18 लगाएंगे और सेकंड लिए इसने 36। क्या मैंने लिखा है वो समझ में आ गया? अब देखो डिस्टेंस और स्पीड हमने यहाँ पे मेंटेन करवा ली, स्पीड इनटू टाइम लेके डिस्टेंस, कितनी दूरी चलता है पहले ये तो पता चले ना, कितनी दूरी चलता है, 18 का भाग 2/10, आप बोलोगे सर 660 मीटर चलता है, कितना मीटर चलता है, 660 मीटर। आपको पहिए का व्यास दे रखा है, अब किसी को नहीं आता तो प्रॉब्लम होगी ना। एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, मैं यहां लिखता हूं, चक्कर का मतलब होता है परिधि, 660 मिला। अब अगर मेंसुरेशन के किलर कंसेप्ट आते हैं तो ठीक है, नहीं आता तो नए स्टूडेंट के लिए परिधि होता है 2πr, मैं पहले बता देता हूं, हमारे स्टूडेंट्स को तो पता है 2πr, जब 21 होता है व्यास तो त्रिज्या कितनी होती है, आधी, 21 का आधा यानी कि 3/2, समझ रहे हो ना, 3/2, इसका मतलब है 7 को आपने गुणा किया 3/2 से, तो जो परिधि आती है वो 44 का भी 3/2 आती है, तो 22 थी 66। ये आपको नहीं करना भाई, जो नए स्टूडेंट है ये खतरों के खिलाड़ी, इससे ना खेले भाई। तो आप तो सीधा सीधा मान रखना 21/2, मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम की बजाय कुछ और समझ बैठेंगे, है 21/2, 66। तो एक चक्कर का काम आया 66 सेमी। ओके गाइस, हमको इसको सेमी में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है, 100 से। आपको पूछा नंबर बताओ, कितने नंबर, कितने चक्कर लगाएगा चक्कर, तो दूरी है 660 इंटू 100 और एक चक्कर का मान है 66, एक बार कट गया और इसके आगे आएंगे 3 जीरो। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए जानबूझ के थोड़ा अलग दिया है मैंने, ध्यान से कर लेना, बस और कुछ ही नहीं है। अब आ गया नरेश, किसी की कोई समस्या, डिस्टेंस निकालो, एक चक्कर का मान निकालो, भाग दे दो टोटल चक्कर। ये मैं थोड़ा शॉर्ट भी कर सकता था, मुझे पता है आर का मान 21/2 होगा, और आर का मान अगर 21/2 है तो परिधि होता है, आर का मान 7 होने पे परिधि होता है 44, तो इसका 3/2, तो परिधि का भी 3/2, 66 आता है, सबको पता है सर 100 से। हाँ मैम बिल्कुल, छोटी छोटी बातें पूछ लो मैम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मैम इसको 100 से गुणा किया, सेंटीमीटर में बदला है मैम इसको। ओके बेटा राठौर साहब, बिल्कुल है, आप मदद करते रहा करो, मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ सकता, आपके साथ ही आपको साथ लेके चलना है, जो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है ना सबको साथ लेके चलता है, सबका विकास होता है। जो ऐसे सोचता है ना मैं नहीं बताऊंगा कंपटीशन टफ हो रहा है, वो कभी नियत माड़ी होती है, सिलेक्शन नहीं होता, आप अपनी मदद करते रहिए इनकी।
मैं नहीं पढ़ पाता हूँ सारी चीजें। यहाँ आइए, एक व्यक्ति, मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए हैं दोनों, कोई समस्या नहीं है, बेसिक था पहला टाइप। दूसरे पे आओ, एक व्यक्ति 25 की चाल से चलता है, 4 की चाल से वापस आता है, टोटल सुनाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, टोटल टाइम, जब आपको आने जाने में टोटल टाइम लगे। दोनों मेथड बताता हूं, एक तो बेसिक ध्यान दो, एक शॉर्टकट। बेसिक, आपको नहीं पता दूरी कितनी है, टी मान लो, जाते टाइम स्पीड 25, आते टाइम भी दूरी डी मान लो, सेम दूरी है, आते टाइम स्पीड 4। टाइम को थोड़ा सही करो, 5 घंटे, सही मतलब ऐसे 5 घंटे 48 मिनट, मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग, 5 घंटे काटेंगे तो 12 चौके 48, 12 5 60, तो ये आता है 29/5। वेल डन, 29/5 है ना। 5/18 कहां से आया, किसी ने बोला 5/18, मेरे दोस्त 5/18 इसलिए आया है, ये तो है सेकंड में मेरे दोस्त, ये टाइम तो है सेकंड में और दूरी है किलोमीटर में, यूनिट सेम करनी है, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, हर क्वेश्चन में यूनिट सेम होनी चाहिए। ये इसलिए करते हैं दोस्त यूनिट सेम करने के लिए, अगर मीटर है तो मीटर में रखो, मीटर प्रति सेकंड में रखो, किलोमीटर को साथ में सेकंड, मीटर के साथ सेकंड आता है, किलोमीटर के साथ घंटे आता है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये सेकंड थी, सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ किलोमीटर नहीं आना चाहिए, मीटर आना चाहिए, इसलिए 5/18 लगाया है। ठीक है, ये यूनिट चेंज करने के लिए, यहाँ भी 5/18 यूनिट चेंज करने के लिए था, ये स्पीड किसमें थी दोस्त, किलोमीटर में स्पीड थी, लेकिन ये टाइम और मिनट में था, सेकंड में था। ओके दोस्त, बिल्कुल लिखा, आने जाने में दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल समय, समय कितना लगा 29/5। समझ गए मेरी बात, बिल्कुल सर ऐसा करते, बेसिक समझाया पहले फिर शॉर्टकट, डी कॉमन, लघुतम 100, 4 25, 29/5, 29 से 29 कट गया, 5 का भाग 20, डी इज इक्वल टू 20 की भी, ये आ गई दूरी 20 की भी, डन बेसिक्स। कोई भूलेगा तो ऐसे कर लेना, एक ही फॉर्मूला है, टीडीएस टाइम डिस्टेंस स्पीड बस। अब देख लो, अगर मान लो आपको डायरेक्ट निकालना होता, ऐसे कर सकते थे, स्पीड 1 स्पीड 2, इसी का डिटेल है, देखो कैसे, ये दोनों का गुणा है, पक्षांतरण करो आप, 100 जाएगा गुणा में, ये रहा, ये क्या है टोटल टाइम, टोटल टाइम के 100 गुणा में, 100 क्या है दोनों स्पीड का गुणा, यहां आएगा स्पीड s प्लस s2, देख लो दोनों का योग, यहां आएगा टोटल टाइम, ये टोटल टाइम बस, पहली स्पीड दूसरी स्पीड का गुणा 100 बटे में 29, 29/5, ऐसा कर सकते हो, मान रख लो उत्तर आएगा, एक बार ट्राई करो मान रख के, कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है भाई, हमको देखो मेरी बात सुनो, आप में से बहुत सारे सोचेंगे जल्दी कराओ, एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना, ऐसे कचरा नहीं करना है, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है हमको कि औरों को दिखाने के लिए भागा दौड़ी करें, ये करें, किसी बालक ने पूछा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्लास में आया वो मेरे लिए आया, तो मैं उसके लिए सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। आपने बोला सर 29/5 कहां से आया, तो टाइम को मैनेज करेंगे कैसे, 5 घंटे, ये 48 मिनट थी, घंटा बनाने के लिए 60 का भाग, 4 12 का भाग 4 बार, 12 का भाग 5 बार, 4/5, 5 × 5 25, 25 × 4 29, फ्रैक्शन वैल्यू सोल्व की है, 29 29, और ये 4 जुड़ जाएगा 25 × 4 29/5, डन है, गौरव मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो यहां फॉर्मूले भी मान रखते तो आ जाता, आपको सोल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या, दो ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी 800 किमी, एक ट्रेन एक्स ए से चलना शुरू करती है और बी की ओर कहां है, थोड़ा सा यहां से कट रहा है, 40 किमी की चाल से चलती है, बी से एक ट्रेन दूसरी चलती है, इसकी ओर चलना शुरू करती है, ए की ओर 60 किमी प्रति घंटे की ओर चलती है, तो वे ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे से पार करेंगे, देखो समझो, ये पॉइंट
एक्स है वो ए से चलना शुरू करती है और बी की ओर चलती है 40 की चाल से। हमें नाम लिखने की कोई जरूरी नहीं है। देखो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, फिर भी मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ, बस मुझे चाय की जरूरत रहेगी। ओके, तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे मिलेंगे, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट जुड़ेगा या घटेगा, डायरेक्शन कैसी है जरा बताओ, मैटर काम सारा डायरेक्शन का है, डायरेक्शन का। अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जुड़ता है। एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 800, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी 100, टाइम टी, तो टी का मान आएगा 8 घंटे। तो ध्यान रखना कितने घंटे बाद मिलेगी, आप बोलोगे सर 8 घंटे बाद मिलेगी, कोई बात नहीं है मिला देंगे 8 घंटे बाद, डोंट वरी। अब सबसे बड़ी बात कि ये पूछा है कितनी दूरी पर मिलेगी ए से, ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था। आप देखो मेरी बात सुनो, हर ट्रेन 8-8 घंटे चलेगी, अगर हम चेक करें तो अगर मैंने इसको 8 घंटे चलाऊं, इसको ए वाली को 8 घंटे चलाऊं, तो 8 × 32 ये कितनी दूरी चल जाएगी इधर से 320 किमी, मान लो लगभग लगभग यहां आ जाएगी 320 किमी। ओके, और अगर मैं बी को चलाऊं, ए को चलाऊं तो कितनी दूरी चल जाएगी 320 किमी, और अगर मैं बी को चला दूं इधर से, बी को चला दूं, मान लो मैंने बी को चला दिया इधर से, तो बी चलेगी 6 × 8 = 48 480 किमी। तो ए पॉइंट से तो 320 किमी की दूरी, और उधर से तो आपको चेक कर लेना, सी हो जाता सी हो जाता बिल्कुल आराम से हो जाता कहा। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, क्या करना है मैं भी आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना। देखो इधर 45 वाला इजी था, हमने बहुत ध्यान से डिस्टेंस, सेम ही फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड टाइम, हमने डिस्टेंस स्पीड टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर ये करता था नंबर निकालने थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। ये टोटल टाइम का नया कंसेप्ट था पूरा का पूरा। अब दो ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, एक इधर से एक उधर से, एक और देखते हैं, फिर से दो ट्रेनें चलेगी, समय का झोल है। दो कारें ए और बी शिमला के लिए रवाना हुई, एक 9:30 बजे एक 9 बजे प्रस्थान करती है, 40 की चाल 50 की चाल से चलती है, दिल्ली से कितनी दूर पर दोनों एक दूसरे से मिले, एक ही जगह जाती है, दिल्ली दूर नहीं, ग्राम सेवक दूर नहीं, शिमला चलांगे, नौकरी लागते ही सारा का सारा शिमला चलांगा, आ लो और मेरे गांव के कन्ने ही है शिमला, सरदार शेर के कन्ने है, मेरा गांव 2-3 किलोमीटर दूर है शिमला गांव, शिमला चलेंगे सबके सब। ठीक है, अब देखो जो पहली ट्रेन है यहाँ 8:30 निकलती है, सबसे बड़ा टाइम फैक्टर काम करेगा, मैं इधर लिख दूं स्पीड 40, मैं सारे टाइप होते हैं वो सारे टाइप कराऊंगा, सबसे खास बात ध्यान रखना, ये 9 बजे निकलती 60 की चाल से। एक चीज ध्यान रखना, कंपेरिजन तभी करना जब वो इक्वल कंडीशन में हो, अदरवाइज नहीं। कैसे, ये तो ट्रेन निकली है घर से है 8:30 और ये 9 बजे, तो कंपेयर कब होगा, जब ये 9 बजे मान लो ये चलती चलती ट्रेन यहां आ गई और अब टाइम हो गया 9 बजे, 9 बज गए, अब ट्रेन ए यहां है लेकिन बी ट्रेन अभी भी यहाँ, कोई बात नहीं, ऐसा करते ही दोनों के बीच में गैप आ जाएगा आधे घंटे का गैप, और आधे घंटे में ये कितनी दूरी, कौन चलेगी पहली ट्रेन, आधे घंटे में चलती है 20 किमी, तो गैप कितने का आ गया 20 किमी, आया कि नहीं आया, 20 का गैप आया कि नहीं आया। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम वही नाम है जो मेरा नाम है, आप हमेशा याद रखना टेलीग्राम का नाम वही है साथियों जो मेरा नाम है, इसके लिए आप परेशान मत होना। हाँ, अब देखो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी वो देख लेंगे, हमें वही फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच। देखो डिस्टेंस आप बोलोगे दी हुई नहीं है, दी नहीं है, ये हमने निकाल ली 20, भाई गैप कब आएगा, जब आगे चला गया वो आपसे आधे घंटे आगे है तो गैप आ गया ना, ये आधे घंटे का गैप, और डिस्टेंस का कितना गैप है 20 का, सेम डायरेक्शन स्पीड घट जाएगी, सेम डायरेक्शन स्पीड घट जाएगी, डायरेक्शन कैसी है सेम लिख देता हूं, सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस कितनी 10 की, और टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल टू 2 घंटे। आपको यह भी पूछ सकता था कि बी है ए को कितने घंटे बाद पकड़ेगी, आप बोलोगे सर 2 घंटे बाद पकड़ लेगी,
डन, किसी के कोई डाउट? 2 घंटे बाद पकड़ लेगी, यानी 2 घंटे बाद हम इसको कैच कर लेंगे। अब मेन आता है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर, देखो हर बार डिस्टेंस, यहां भी पूछ सकता था कितने घंटे बाद मिलेगी, यहां पे मीटिंग मिलना तो आपको है ही भाई, आज नहीं तो कल मिलना है, कितने घंटे बाद मिलेगी? आप बोलोगे 8 घंटे बाद मिलेगी। यहां पे कितने घंटे बाद पकड़ेगी? 2 घंटे बाद। लेकिन वो पंगा कर रहे हैं डिस्टेंस का, कोई बात नहीं। कौन सी ट्रेन 9 बजे से कंपेरिजन शुरू, कौन सी ट्रेन पकड़ना शुरू करी है? बी, पीछे वाली से करवा दो। कितने घंटे चली? 2 घंटे। 1 घंटे में कितना? 50। 2 घंटे में 100। डन, 100 किमी बाद पकड़ लेगी। 100 किमी बाद वो एक दूसरे के पास होगी, साथ होगी, बराबर होगी। डन, क्योंकि ये इनको आगे जाने में कितने घंटे और लग जाएंगे? अभी 2 घंटे। ये पूछा होता कितने बजे मिलेगी तो टाइम जो आता वो आता 11 बजे का। देखो मेरे दोस्तों, सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, मैं एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता रहा हूं साथ साथ में। कितने घंटे में पकड़ेगी, कितने बजे पकड़ेगी, कितनी दूरी पर पकड़ेगी, हैं? समझ गए? क्या बात है सर, समझ गए ना? वेल डन। ओके भाई, आप सभी इतने बच्चे रहोगे ना, 100+ रहोगे तो मैं 5 दिन लगातार पढ़ा दूं, 1 दिन की तो क्या बात है। आ जाओ, बेसिक क्वेश्चंस फिनिश। पहला टाइप मेरा ये था बेसिक करवाने का, T1। दूसरे के अंदर मैंने आपको, ये अच्छा क्वेश्चन था बट ये मेरी ओर से टोटल टाइप का जो टाइप था ये 2 टाइप था, दूसरा नया टाइप था। फिर मेरी ओर से ट्रेन बेस कुछ क्वेश्चन करवाए मैंने, टाइप 3 था। ट्रेन बेस, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, समझना आपको पड़ेगा भाई, सारे वेरिएंट नहीं कराए जा सकते, ऐसे तो खत्म ही नहीं हुए। जो 40-50 70 घंटे में मैथ पढ़ाते हैं, 10 घंटे में चीजें फिर समरी करनी पड़ती है। सेम टाइम का फंडा आ सकता है, ध्यान रखना। अभी पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। फिर नया टाइप, टाइप 3 था। टाइप 4 आपके सामने एक बेहतरीन टाइप, ध्यान दो। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 से चलता है, ध्यान रखना। एक चीज मैं लिख देता हूं इधर आप लोगों को समझाने के लिए, जो स्पीड होती है ना वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है। टाइम का इसका मतलब समझते हो, टाइम स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगता है, टाइम ज्यादा तो स्पीड कम होती है। देखो भाई, आपको स्पीड बढ़ा दो, क्यों बढ़ाते हो? टाइम कम लगाने के लिए। स्पीड क्यों बढ़ाते हो? टाइम कम लगाने के लिए। राम राम रवि, क्या हाल है? वेल डन। क्या बात है, रिपीट करूं? रिपीट ये किया मैंने कि स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगता है। आप स्पीड क्यों बढ़ाते हो? जल्दी क्यों करते हो? टाइम कम लगे, जल्दी पहुंच जाए, समय बचाने के चक्कर में। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब कैसे? ये इसकी स्पीड है। अगर ओरिजिनल स्पीड OS 7 होती तो प्रेजेंट यानी करंट स्पीड, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ओरिजिनल स्पीड OS 7 होती तो करंट स्पीड 5 होती, 7 का 5 भाग। ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो। हम किसका रेशियो निकालेंगे? टाइम का। उल्टा कर दो, 5 इधर भेज दो, 7 इधर भेज। उम्मीद करता हूं डन है पॉइंट, डन है, डन है। ओहो सर, 5 और 7 लिख दिया, कुछ ही नहीं। अब देखो, इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल में आपको 5 टाइम लगता और अभी फिलहाल 7 टाइम लगता है, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। ऐसा करने से आपको 10 मिनट की देरी होती है। यहां कितने मिनट की देरी? 2 मिनट की। क्वेश्चन में 10 मिनट, 1 यूनिट का मान 2 यूनिट, 2 मिनट। अब देखो, पूछा है तो कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय, मतलब नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम तो था कार्यालय पहुंचने का 10 मिनट, लेकिन हमने कितने मिनट लगा दिए? 14 मिनट, 14 मिनट। तो ओरिजिनल, गुणा चाह के नशे में ज्यादा कर दिया क्या? हो जाता है भाई, कभी कभी चाय का नशा हो जाता है, चाय का नशा हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, डन, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं। 5 आता है, 51, तो 25 और 35। नया टाइप था, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक बार इस पे मैं एक और कराता हूं, देखो एक फिर से। एक व्यक्ति अपनी स्पीड को 60% चलते हुए, स्पीड का रेशो 60% और ये टाइम का रेशो, ध्यान दो। किसी की स्पीड 100 है, 60% पे आ गया, काट लो रेशियो बनेगा 5, काट लो रेशियो बनेगा 3,
60 स्पीड की गति से, मतलब सामान्य की 60, पहले 100 चल रहा था, अब 60 से चलेगा, 60 कम नहीं किए, कम करते 40 लिखते, 60 पे आ गया। टाइम 3 और 5। अब देखो गंतव्य पर पहुंचने के लिए 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, 1:40 की देरी से जाता है, तो डिले कितना हुआ 2 का, क्वेश्चन में डिले 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट लिख लो, 100 मिनट तो 1 यूनिट का मतलब 50 मिनट का डिले। मैं कमेंट पे कम ही ध्यान दे रहा हूँ भाई, कमेंट का काम नहीं है आज, 50 का डिले। तो गंतव्य पर पहुंचने का उसका सामान्य समय बताइए, 50 से गुणा करते 150 मिनट, और 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे, 150 मिनट। समझ गए? किसी के टाइप में कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, मैं इतने में 1 मिनट लेता हूँ, चाय खत्म कर देता हूँ। बाद वाला टाइम पूछ सकता है, बाद वाला क्या, वर्तमान समय। वर्तमान समय तो आप 5 को 50 से गुणा करते 250 मिनट, 12 2 24, 6 चौके 24, 4 घंटे 10 मिनट। कभी कभी बाद वाला टाइम देके भी पूछ सकता है, होगा शायद क्वेश्चन, कोई कोई नहीं, नहीं है, ठीक हो गया टाइम बेस्ट। ये इसको टाइप को आप बोल सकते हो वास्तविक स्पीड, वास्तविक स्पीड का क्वेश्चन है ये, वास्तविक गति, वास्तविक ओरिजिनल स्पीड, OS ओरिजिनल स्पीड, करंट स्पीड, वर्तमान स्पीड, रेसिप्रोकल से काम हो जाता है। दो रेल लगाड़ी वाली लंबाई है, चाल ये खंबे को पार करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब सोचो, ध्यान दो, चाल दे रखी है दो रेलगाड़ियों की, भाई रेलगाड़ियों की लंबाई 5 और 3 में, स्पीड दे रखी है, तो एक पार करने में कितना टाइम लगे, आप मुझे बताओ। दोनों का रेशियो निकालना है, टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 5 पहली ट्रेन की, डिस्टेंस बटे स्पीड ही तो होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 5, स्पीड कितनी है 6, डिस्टेंस कितनी है 3, स्पीड कितनी है 5, गुणा कर लेंगे 25 और 18, खत्म। सी हो जाता, भाई तू एक काम कर, लाइब्रेरी वालों को सबको क्लास दिखा, उनको बोल सब क्लास देखो सर, डन, आगे बढ़ो। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात, आपको स्पीड निकालना, स्पीड रेशियो निकालना दोनों का, स्पीड रेशियो। ये थोड़े से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, ये भी रेशियो बेस्ड था, यहां हैंडराइटिंग के मजे आ जाते है ना, बिल्कुल। स्पीड क्या होएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दो। निश्चित दूरी है डी, मान लो डिस्टेंस डी, पार करने में साइकिल चालक ने निश्चित दूरी निश्चित गति से पार की, अब पार की तो कोई टाइम भी लगा होगा, कोई टाइम मान लो टी मान लो, पहले के लिए हम अपने मर्जी से मानेंगे साइकिल वाले के लिए, लेकिन जोगर देखो, जोगर उसकी आधी दूरी, आधी दूरी मतलब डी का आधा आधा, और दुगुने समय में, इसको टी लगा तो इसको 2t लिखो, थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, खत्म। डी से डी काट लो, टी से टी काट, ये 1/1 आएगा और ये 1/4 आएगा, रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ऐसा मैंने प्लस क्लास में कराया भी है, 4 और 1, डी इज द फाइनल आंसर। हो बिल्कुल, मोटिवेट तो तुमको ऐसे दे देंगे, टेंशन फ्री रहे, हैं गोली बनवा रहा हूं मैं भी, बोला है किचन में बन रही है गोली, मोटिवेशन की गोली बनेगी फिर सबको खिलाएंगे हम, डन, ओके, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई ट्रेन 48 की चाल से चल रही है, डिले वाला, जैसे यहां पे टोटल टाइम था, कहां है ये, वैसे डिले वाला क्वेश्चन, डिफरेंस टाइम,
हाँ फुलो फुलो में सुनो, दोबारा बोलता हूँ। देखो मैंने अच्छे से बोला था कि अगर देरी है और ये जल्दी है, मैंने बोला था, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए 15 मिनट जुड़ गए। और मैंने ये कहा था अगर सेम डायरेक्शन है, मैंने ये नहीं पढ़ा देरी देरी दोनों है या जल्दी जल्दी दोनों है, तो फिर घट जाता, क्योंकि यहाँ 10-3 आता, 10-3 और फिर घट जाता, 9 ही आता। अब हमने इतनी मेहनत की तो इसको सही कर दिया। अब देखो सही करके मैंने क्या लिखा कि ये इतने देरी से पहुंचता है, इतना जल्दी से पहुंचता है। अब मैंने देरी और जल्दी के हिसाब से सब चीजें एडजस्ट कर दी, यहाँ घंटे 1/4 बना दिए 15 मिनट का कार्ड, और टोटल दूरी आ गई 48 किमी। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 48 किमी। इसका शॉर्टकट देखो, थोड़ी देर पहले हमने एक इसका शॉर्टकट लिखा था दूसरे क्वेश्चन में, वैसा ही हम यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। क्या लिखना है शॉर्टकट? शॉर्टकट के लिए आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो यहां ध्यान देखो, दोनों स्पीड का गुणा, आप एक काम करना स्पीड का गुणा करना और यहां स्पीड का अंतर लेना माइनस, वहां जुड़ा था, जुड़ा क्यों था, टोटल था, ध्यान दो टोटल था, तो देखो यहां पे चिन्ह आया था प्लस का और यहां डिफरेंस है तो यहां माइनस का, और वहां टोटल टाइम था, यहां डिफरेंस टाइम आएगा, बस और कुछ ही नहीं साथियों, सेम कंसेप्ट है। अब ठीक है, अब डन, एग्जाम में ऐसे करना है। क्या करना, पहली स्पीड 48-64, दोनों का अंतर पॉजिटिव लेना, दोनों का डिफरेंस टाइम लिखना, डिस्टेंस आ जाएगी, डन। ये दोनों ध्यान रखना कंसेप्ट, ये बेसिक से ही बनता है। कैसे बन, रटाने का नहीं, बेसिक से कैसे, डी का मान रखोगे 192 इसके गुणा में जाएगा, टाइम के गुणा में जाएगा 192 यानी स्पीड का मल्टीपल, बटे में आएगा 4-3 यानी स्पीड का डिफरेंस, नीचे स्पीड डिफरेंस आया, स्पीड मल्टीपल टाइम डिफरेंस, ध्यान दो। एक व्यक्ति ने ए से स्टेशन बी 40 किमी, बी से स्टेशन 30 की चाल से चली, पूरी यात्रा में इसको इतना समय लगा, तो ए व बीच की दूरी बताइए। अब देखो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया तो ठीक है, ये रहा ऑप्शन 108, आधा मत करना, वो मैंने बोल भी गलत दिया था, वो माइंड सेट नहीं था। पहला काम, अब मान लो कि डिफरेंस दिया हुआ होता, ये गाने तो बजाएगा ही भाई, कोई लाज नहीं है, थोड़ा हम पेशेंस से काम करेंगे। डिफरेंस टाइम, अगर ये डिफरेंस टाइम होता तो ये डिस्टेंस जो निकालते आप ऐसे निकालते हैं, स्पीड वन स्पीड टू दोनों का डिफरेंस और डिफरेंस टाइम, ऐसे करते, स्पीड फर्स्ट 40, 30, 70 दोनों का डिफरेंस 10, 6.3/10। अब आपको पता है अगर ये डिफरेंस टाइम है तो आप इसे सिंप्लीफाई करते तो पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 जीरो कटे, फिर आता आपका 63 × 12, 12 × 2 = 36, 12 × 3 = 36 का 3, ठीक है, 12 × 6 = 72 और 3 = 75, अब ठीक है 756 किमी, अब ठीक है ना, अब ठीक है 756 आता और यहां से आता 108। एक गलती से कितने बच्चे चले जाते हैं, उनको लगता है फिर सर क्या पढ़ा रहे, कभी कभी सिली मिस्टेक्स दिमाग को सेट नहीं कर, इस क्वेश्चन की वजह से आगे वाले क्वेश्चन की नैया लग जाती है। ओके डन, अब कोई डाउट है तो बताओ, टोटल टाइम का क्वेश्चन और डिफरेंस टाइम का, आपको ये पूछा था 108 आंसर आते, और अगर ये पूछा होता तो 756 आता, एक बार कमेंट कर दो सर, डन। अब नहीं भटके कभी, कोई डोंट वरी, आगे बढ़ो। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 की औसत चाल से चलती है और रुक के, यानी अगर नॉन स्टॉप चले तो चाल है 50 किमी/ओवर, और स्टॉप करके चले तो चाल है 40 किमी/ओवर, 40 किमी/ओवर, इसको ट्रिम करवा देंगे डोंट वरी। तो आपको पूछा है एवरेज स्पीड, तो औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है वो निकाल देंगे, आपको यही नहीं पता दूरी कितनी है, 200 किमी मान लो आपके पास, कितनी दूरी है 200 किमी, आप मुझे बताइए 200 किमी की दूरी है, हाँ सर क्यों नहीं है 200 की, 50 के चाल से ये कितने घंटे लेगी 4, और 40 के चाल से 5 घंटे, इस ट्रेन को 4 घंटे लगने चाहिए थे, लग गए 5 घंटे, एक्स्ट्रा कितना घंटा लगा है 1 घंटा, क्यों लगा 1 घंटा, रेस्ट मारा है इस भाई ने, बीच में चाय पानी नाश्ता सब कुछ, ओके 1 घंटे का रेस्ट,
हाँ मुझे बताओ, प्रति मिनट कितना रेस्ट किया? 60 के अंदर 5 का, तो वो आएगा 12 मिनट, इसलिए ध्यान दे। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना और ऐसे करना, क्योंकि रेस्ट वाले के अंदर क्या होता है, कंसेप्ट अलग टाइप का जाता है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे सोचो कि सर नहीं हम तो 1 घंटे रुके, 1 घंटे 20 चले, तो भाई ये तो नॉन स्टॉप स्टॉप के चलने के 5 घंटे लगे हैं, 40 की स्पीड है, ये तो चलने चलने के 5 घंटे लगे हैं, ठीक है ना? तो ये हर घंटे बाद आपने रेस्ट इतना, ठीक है, डन। 1 कप, तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो इतने से आएगी, 12 5 का भाग दे लेना। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 18 किमी प्रति घंटे घुड़सवारी से चलता है। देखो ये टाइप अलग है और ये सेम इसी पैटर्न का टाइप है। यहां आपको दे रखा है कि कितना रुकोगे, वहां हमने निकाला है कितना रुकोगे, यहां दे रखा है रिवर्स। हाँ देखो, एक व्यक्ति 18 किमी प्रति घंटे की घुड़सवारी करता है, लेकिन 7 किमी पूरा होने पे घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। देखो आप बताओ मुझे, जो इसको नॉन स्टॉप चलता है, नॉन स्टॉप चलता है, इसका कितना टाइम लगेगा? 90 किमी जाता है और स्पीड क्या है, 18 की, तो 5 घंटे। मतलब सर ये चलने चलने के 5 घंटे लेता है, लेकिन 7 किलोमीटर बाद, हर 7 बाद रेस्ट, हर 7 बाद रेस्ट, हर 7 बाद रेस्ट, लेकिन हमको कितना रेस्ट करवाना है, इसको ध्यान दो, ये कितने किलोमीटर तक चलेगा? ऐसे ये चलेगा 90 किलोमीटर, तो ऐसे हमें कितनी दूरी तक चलाना है इसको, 90 किमी तक। आप मुझे बताओ 90 के अंदर ये कितनी बार रेस्ट करेगा, 90 के अंदर ये कितनी बार रेस्ट करेगा? 90 के अंदर सर हम भाग दे लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ऐसे करेंगे। 70 में 10 बार रेस्ट करेगा, 70 के बाद 20 बचे, 20 में 2 बार रेस्ट करेगा, तो 12 टाइम ये रेस्ट करेगा। कितनी बार रेस्ट करेगा? 12 टाइम। होगा या नहीं होगा? 12 बार रेस्ट, एक बार में 6 मिनट, तो 12 × 6 72 मिनट का रेस्ट करता है, 72 मिनट। तो टोटल कितने हो गए, 7 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट बी रहेगा, डन। बी रहेगा, किसी के कोई डाउट? 6 घंटे 12 मिनट का रेस्ट। मैं ये क्लास को एडिट करवा दूंगा यहां से, टीम को बोल के मुझे ध्यान दिलाना, ठीक। वैशाली तुम एक काम करो, जहां गलती हो जाए वो क्वेश्चन नंबर या टाइम या जो भी है वो नोट कर लेना पेज पे और मुझे व्हाट्सएप कर देना फिर। ये डन है यहां तक नॉन स्टॉप का? कैसे नॉन स्टॉप में आप 5 घंटे लगे, हर बार 7 किमी बाद रेस्ट करते हैं, 90 तक चलता है, तो 90 में कितनी बार रेस्ट करेगा, 12 बार रेस्ट करेगा, 12 बार रेस्ट किया, 1 का 6 मिनट, तो 12 6 72 मिनट टोटल टाइम। चलिए 14 नंबर, ये अलग क्वेश्चन है एक आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान दो। एक बंदर गोलाकार खंबे को, जो कि 21 मीटर ऊंचा है, पर 6 मीटर चढ़ सकता है 1 मिनट में, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट मिनट 6 मीटर अप, सेकंड मिनट, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके पाइप और टंकी की तरह होता है, 3 मीटर डाउन। आपके गांव में होते थे, हम छोटे थे तब, है कभी कभी तो हमारे दादाजी ऐसे पूछते थे, एक मेंढक इतने ऊपर जाता है नीचे जाता है, कब मेंढक कुएं से बाहर आ जाएगा, है कब बाहर जाएगा? तो आप देखते हैं, अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, बंदर को चोटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगे? अब मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ये मान लो 21 मीटर की चोटी है, पते करनी है 21 मीटर, अब समझा दूंगा मैं अच्छे से। आप मुझे बताओ 2 मिनट लगी और 2 मिनट में अभी तक बंदर कितना चढ़ा है, 3 मीटर, 3 मीटर चढ़ा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे, सर ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, 2 मिनट में कितना मीटर, 3, कितना जाना है, 21, 7 से गुणा कर लो, 7 से गुणा कर लो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 मिनट में सर कितना चढ़ गया, 21 मीटर, और सबका गलत, सबका गलत। कैसे गलत? आई नहीं, उतरी नहीं है, कोई बात नहीं, मान लो 14 मिनट है। 14 मान लो तुम, तो ये 14 मान लो, चलो सबका सही है क्या, बोलो सबका 14 मिनट आएगा क्या? कैसे, ध्यान दो, गलती कहां होगी? इसका मतलब समझाता हूं मैं, इसका मतलब यूं हुआ कि पहले 6 चढ़ा,
प्लस के ध्यान देना, फिर माइनस तीन, फिर छह चढ़ा, फिर माइनस तीन, फिर छह चढ़ा, फिर माइनस तीन, फिर छह चढ़ा, फिर माइनस तीन, छह चढ़ा, माइनस तीन, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। अब देखो कितना चढ़ गया, तीन, छह, नौ, बारह, पंद्रह, पंद्रह चढ़ गया। तुम्हारे हिसाब से पंद्रह चढ़ गया। अब तुम बोलोगे सर छह वापिस चढ़ेगा, भाई तुम्हारे हिसाब से तो सात बार होगा, छह वापिस चढ़ेगा, पंद्रह और छह इक्कीस, इक्कीस तीन वापिस उतरेगा सर, तो अठारह चढ़ गया सर। अभी तक तुम्हारे हिसाब से अठारह ही चढ़ा है। अब देखो अठारह के बाद वापिस छह चढ़ेगा, अठारह और छह कितने होते हैं चौबीस, और सर चौबीस चढ़ गया, तीन वापिस उतार दो सर इक्कीस। अब बेवकूफों का काम हो गया, चौबीस कब चढ़ेगा, तभी कोई चौबीस चढ़ता है क्या? पहले तो अठारह आए, छह जोड़ा, अठारह और छह चौबीस, चौबीस में से तीन उतर गया, चौबीस में से तीन उतर गया इक्कीस सर हो गया। अरे तो भाई चढ़ाएगा कहाँ, पोल तो इक्कीस का ही है, है? पोल के ऊपर हवा में चढ़ाओगे ये, इसलिए क्या होता है ऐसा करने पे ऐसा बनता है, तभी तो चौदह मिनट होंगे, एक दो तीन चार पांच छह चौदह, गलत। हमेशा याद रखना ये कुछ स्टेप पे ये यही चढ़ गया था बंदर, पंद्रह और छह इक्कीस ही होता है, अब उतारने की जरूरत नहीं है। तो ये समझाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर आ गया तो जो ये उतर रहा है या चढ़ रहा है, चढ़ रहा है इसको घटा लो, भूल जाओ गुणा करते टाइम, हमको यहाँ पे 21 बनाना है, 21 भूल जाओ आप, जो माइनस प्लस, प्लस वाली वैल्यू उठा दो एक बार, तो प्लस वाली वैल्यू उठा, जैसे मान लो सात पर भाग जा रहा है ना, तो एक कम बार कर लो, ऐसा अच्छा रहेगा, सात पर भाग जा रहा था एक कम कर लो, छह बार ही रखो, छह से गुणा कर लो, छह तिया 18 मीटर चढ़ा, कितनी मिनट में, 12 मिनट में, 12 मिनट में 18। अभी चढ़ने की बारी आएगी, लेकिन ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, हैं? ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करें सर? इसके लिए एक बेस्ट मेथड, जो आपका चढ़ने वाला है इसको हटा दो, तो टोटल 21, 21 में से 6 माइनस किया 15, आप 15 तक ही लेके चलो, 15 बनाना है आपको, टारगेट 15 है 21 नहीं है, 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, 10 मिनट, सबका गलत था, 15 मीटर, 15, 10 मिनट में 15, 10 मिनट में 15 चढ़ा है। अब चढ़ने की बारी, फिर से चढ़ने की बारी, कितना चढ़ेगा 6, कितनी मिनट में, 1 मिनट में, तो 11 मिनट, और 11 मिनट में 21 मीटर, ऐसे करना पड़ता। यह क्वेश्चन आपका गलत होने का 100% चांस बन जाएगा, तो मेरे को बताओ किसी को समस्या आएगी? फिर समझाता हूं, फर्स्ट मिनट अप, सेकंड डाउन, दो मिनट में तीन चढ़े, सीधा गुणा मत करना, टाइम एंड वर्क की तरह, लास्ट में जितने टाइप के क्वेश्चन बचेंगे एक साथ करा दूंगा, सीधे मत करना। क्या करोगे? अप डाउन किया, किया किया, ठीक है। अब देखो प्लस तीन मिनट सर, तीन मीटर दो मिनट में, गुणा नहीं कर सकते इसलिए प्लस वाली वैल्यू को यहां घटाएंगे, घटा लिया छह, छह मीटर गया, 15 मिनट का टारगेट है, टारगेट कितना है 15 का, 15 का मीटर का टारगेट है, 15 मीटर के लिए 5 तीरी 15, 5 तीरी 5 दुए 10, 10 मिनट में 15 मीटर। अब चढ़ने की बारी आएगी, 6 चढ़ेंगे, 15 और 6 21, 11 मिनट में 21, मौका मार लिया भैया, डन, वेल डन, यू कैन डू इट इन इजी स्टेप्स। ये 5-6 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के करा रहा हूं मैं आपको, और मुझे थोड़े अच्छे लगे थे, थोड़ा लॉजिकली अप्रोच के क्वेश्चन, जहां आप बोलोगे सर मान गए, धुआंधार ट्रिक, धुआंधार कंसेप्ट, वो वाले। चलो क्या धुआं धुआं करने के लिए तैयार हो? धुआं धुआं करने के लिए एकदम तैयार हो क्या? ओहो, इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर छुट्टी दूंगा 15 मिनट की। एक रेलगाड़ी 30 की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, मेरी बात सुनना, पुल को पार कर रही है तो ट्रेन प्लस ब्रिज सब मिनट लगी। अब मैं ना कंसेप्ट फेल करके सीधा हम लॉजिक मेंटल से, दिमाग से, है तुम्हारे में दिमाग कितना आज देखते हैं। और दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी पार करती है जो दूसरी से 100 मीटर छोटी है, 45 की चाल से कितने समय में पार करेगी? इस ट्रेन से 100 कम, और इसी ब्रिज को, इसी ब्रिज को ये 90 की चाल से, मैं समझाता हूं आपको कुछ, देखो 5-6 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वो मेंटल अप्रोच वाला है वो हमें ढूंढ लेना है सर, 36 सेकंड।
और ये 45 किमी की चाल से चल रही है, और जो भी चल रही है चलने दो, टाइम पूछ। कर लेंगे, किसी की कोई समस्या? आप सोचने वाली बात क्या है? आप मुझे एक ही बात बता दो, हमको पूछा है कि कितने समय में पार करेगी, ये टाइम पूछा है। एक्चुअली ये टाइम डिपेंड किस पे कर रहा है? एक तो ब्रिज की लंबाई पे और एक उस पुलिये की लंबाई पे। एक्चुअली कहानी तो यही है, सीधी सी बात ही है। हमारे पास न तो इसकी लंबाई है और न इसकी लंबाई। हमारे पास अगर इन ब्रिज व्रिज की पार करने की लंबाई वंबाई ढींगड़ा फलाना कुछ भी आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में दो केस एक साथ चल रहे हैं, ऐसे केस में दो केस एक साथ चल रहे हैं। यहां से मुझे एक बात बताओ, स्पीड किसकी होगी? केवल ट्रेन की स्पीड होगी। भाई एक चीज बताओ मुझे, यहां पे स्पीड किसकी होगी? केवल ट्रेन की। अरे हमारे पास अगर लंबाई आ जाए ना तो यहां टाइम आ जाएगा, हमें ना इनकी लंबाई निकालनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। निकाल लिया ना। आप एक बात सोचे, यहां पे इसकी चाल है, इसकी चाल है, इसके हिसाब से 36 सेकंड लग रहे हैं, और इसके हिसाब से अगर ये चाल 90 के चाल से चल रहा है तब तो 36 सेकंड लगे। और मान लो सेम ही लंबाई का पुल होता तो आपके यहां पे कितने लगते? 72 सेकंड लगते, मैं कुछ ऐसा सोच लेता, 72 सेकंड। लेकिन एक्चुअली मेरे को एक बात बता दो, 72 सेकंड लग, अरे आंसर नहीं है 72, कोई बात नहीं, मैं क्या समझा रहा हूं वो सोच लो। ऐसे बालकों की तरह डिस्टेंस निकाल के नहीं गणना। एक सोचो, ये मान लो 100 नहीं होते, 100 नहीं होते, ढींगड़ा फलाना छोड़ दो, 100 नहीं होते तो चाल चाल के हिसाब से यहां 90 भी आती, लेकिन इस 100 की वजह से ये 45 की चाल से चल रहा है। अगर मान लो ये सेम ब्रिज, दोनों जगह सेम है, ब्रिज सेम है, बस डिस्टेंस का फर्क है। अगर यहां ना 72 सेकंड लगते, क्योंकि 90 की टाइम से जिस दूरी को, ये नहीं होता, 100 नहीं होता, मान लो कहां गया, थोड़ा दिमाग के ना ढक्कन खोलने पड़ेंगे यहाँ पे। देखता हूं तुम्हारे कितने दिमाग के में, मतलब दिमाग, मान लो आप ऐसे लिखता, मैं 100+b सीधा एक बार लिख के दिखाता हूं, 100+b सीधा लिखता, तुम बताओ कितना टाइम लगता? 90 के अंदर 36 स्पीड आ दी तो टाइम डबल, 72 सेकंड। अब तुम बोल रहे हो सर 72 सेकंड लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि 100 मीटर कम है यहाँ पे, 100 मीटर, तो इस 100 मीटर की वजह से कितना टाइम कम लगना चाहिए था इसको, 100 मीटर की वजह से? तो 100 मीटर डिस्टेंस, स्पीड है 45 45 की, 5/18 टाइम उड़ा देंगे, निकाल रहे हैं, टेंशन फ्री रहो। 18, 9 का भाग 5 बार, 9 का भाग 2 बार, 25 का भाग 4 बार, 4 2 8, मतलब सर 8 सेकंड का झोल पड़ता इस 100 की वजह से, 8 सेकंड का झोल। बहुत देखे हैं ऐसे बोल देना, और तुम लोग है ना कहीं ट्राई कर लेना, 10 सेकंड का क्वेश्चन है लेकिन किताब के मेथड से तुम हैरान हो जाओगे। है अब बताओ क्या कुछ है? और मैं बोल रहा हूँ ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, फोड़ देंगे क्वेश्चन को अगर पेपर में कुछ अप्रोच पे काम करना हो तो, लेकिन ये तभी होगी भाई जब मेहनत करोगे। हमने समझा इस चीज को कि ट्रेन प्लस ब्रिज की लंबाई होगी 90 की चाल से 36 सेकंड में। अगर मानो ये ट्रेन होती, ब्रिज होता, चाल आधी होगी तो टाइम 72 सेकंड हो जाता, लेकिन ये इस 100 की वजह से, ये जब जब डिस्टेंस कम हो रही है तो इतना टाइम कम लगना चाहिए ना, इतनी दूरी का कम टाइम लगना चाहिए, इतनी दूरी का कितना टाइम कम लगना चाहिए? ये लगना चाहिए 8 सेकंड कम लगने चाहिए, और 8 सेकंड का जो आपका डिफरेंस कम होना चाहिए, 72 सेकंड की 8 कम किया 64 सेकंड, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। 5/18 इसलिए आया क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में, इस मैं 10 सेकंड में करने का दावा करता हूं, तुम कर सकते हो, डन। ये मैंने टेलीग्राम में डाला था कि ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो 5 क्वेश्चन है ऐसे जो तुम बहुत बेस्ट अप्रोच से कर सकते हो। आर एस अग्रवाल बुक के हैं, किताब में तो तुम्हें कभी समझ नहीं। और मान लो तुमको ये पूछा होता ब्रिज की लंबाई बताओ ढींगड़ा फलाना, तब तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम निकाल सकते थे, ठीक है, निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां आओ एक बार फिर से देखो, टाइम लेके समझेंगे फिर शॉर्टकट उड़ाएंगे। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म भी होगा, देखो फॉर्मूला एक होगा डिस्टेंस, ट्रेन भी होगा, प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म भी होगा, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 18 सेकंड। पहला लिख दिया, दूसरा देखते हैं, एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में लिख दिया। फोड़ना सिखाता हूं, रिपीट नहीं होगा डेविल, फोड़ना सिखाता हूं। जो 100 जने सुन रहे हैं ये मान लेना, तुम वीडियो के जितने स्टूडेंट देंगे उन सबसे आगे हो, तुम ट्राई करवा लेना ये क्वेश्चन करवा के, आधों के हाथ जम जाएंगे बर्फ में और ये इसमें भी जम जाएंगे, देखो कैसे सोचते हैं। अब चाल पूछिए, प्लेटफॉर्म की तो चाल होनी नहीं, तुम एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा, भगवान ने तुमको दिमाग दिया। यार ये यहाँ 18 सेकंड थे, यहाँ 15 सेकंड, केवल इस रोड़े की वजह से, टी तो सेम है, टी तो दोनों जगह सेम है, इस रोड़े कितने की वजह से, कितने की वजह से जरा बताओ बताओ, कितने की वजह से? सर 42 की वजह से, 42 मीटर, और कितने सेकंड का डिफरेंस सर? 3 सेकंड। चाली तो चाहिए स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम, 14 42 किलोमीटर प्रति घंटे में, 18 किलोमीटर के लिए 18/5 है, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 14 आ गया, यही करोगे किलोमीटर के लिए। अब आपको 2 से ऊपर गुणा कर लेना चाहो, वैसे मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 8 × 2 से गुणा करोगे तो 6 × 24 50/50.4 के। बयालीस कैसे भाई? सुनो, जो समझ नहीं पाए तुम एक दिमाग पे जोर डालो, तुम मुझे एक बात बताओ, 162 मीटर प्लेटफॉर्म और 120 मीटर ट्रेन की लंबाई दोनों जगह, फॉर्मूला क्या लगाया है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू जो भी टाइम दे रखा है, इतनी डिस्टेंस को लगाने में इतना टाइम लगा है हमको, तो भाई दोनों जगह ये तो डिस्टेंस सेम होगी ट्रेन की तो दोनों जगह, ये 42 3 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगे? इस 42 की वजह से एक्स्ट्रा लगे हैं, तो 1 सेकंड मतलब 40 आ गई, 42 के लिए 3 सेकंड, तो 1 के लिए 14/3 यानी 14 सेकंड, 14 सेकंड 14 मीटर प्रति सेकंड, 14 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदला, इसको करते ना 10 सेकंड, कुछ भी नहीं लिखना, पकड़ा क्वेश्चन मचोड़ा आंसर निकाले। और दिखाता हूं, ये आरएस अग्रवाल के लगातार 5 क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी समान चाल से 122 मीटर लंबे पुल को 17 सेकंड में, अब डायरेक्ट करेंगे 210 मीटर लंबे पुल को, ट्रेन सेम है दोनों जगह, यहां 17 सेकंड ले रहा है और यहां 25 सेकंड, ये 8 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लिए इसने? 8 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लिए? 8 सेकंड। आप बोलोगे सर 122 और 210 कितने का डिफरेंस है, कमेंट करो कितने का डिफरेंस है मेरे दो, 88। तो सेकंड के लिए स्पीड क्या आ जाएगी? 11 मीटर पर सेकंड। अब 11 मीटर पर सेकंड है, ये तो 11 मीटर पर सेकंड है मैम, किलोमीटर में बदलने के लिए देवियों और सजनों हैं, परियो और परो 18/5 से गुणा होता है और 2 से गुणा कर लेंगे 36/96 किमी, 9.6 किमी पर ओवर। किसी स्टूडेंट को 9.6 किमी पर ओवर नहीं आया, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया और सरल किया, डन। फोड़ नहीं सकते क्या आप? ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाल को चीजों को समझिए, विकास कीजिए माइंड का, पेपर अप्रोच से होता है, हैं? तुम ऐसे ही घोड़े गधे एक जैसे कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं हर किताब का आपको कहीं ना कहीं से जैसे कुछ मिलता है मुझे नया, तो मैं एक दिन ऐसे सोल्व करा रहा था, मैं यार बच्चे बुक को देख के तो ऐसे मतलब ऐसे मन करता है कि हे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मारो मुझे ऐसे चलता है, लेकिन यहां देख के लगता है हाँ सर अब जी मन कर रहा है कि कितना अच्छा कंसेप्ट है। मैम क्लियर है ना, किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए होता है, पहले पेज भी समझाया था। अब मैं जितने अच्छे कंसेप्ट करा रहा हूं रेस्ट के बाद मुझे दुगने स्टूडेंट चाहिए, है ना। चलो एक बार फिर से, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है
उतनी ही गति से उसे अपनी दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड लग गए, समझो। ट्रेन की लंबाई दे रखी है क्या? मैं सोचा ट्रेन की, बोलते क्यों नहीं हो तुम कभी कभी, ट्रेन की लंबाई दे रखी है। वैशाली नोट कर लेना, ट्रेन की लंबाई 240 है और इसको पार करने में कोई भी टाइम लगा होगा, हमें नहीं पता कितना टाइम लगा। ट्रेन की लंबाई प्लस इससे दुगुनी लंबाई का प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है पीएफ, और टाइम में 40 सेकंड ज्यादा लगे। ओके भाई अब समझा देंगे, 40 सेकंड ज्यादा लगे तो ये 40 सेकंड एक्स्ट्रा इस प्लेटफॉर्म की लंबाई की वजह से लगे। हमने तो कुछ उल्टा ही कर दिया था, स्पीड गलत पढ़ने का नतीजा यही होता है, सीख ले लो हमसे, सीख ले लो। अब इसे दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना लगता है, 40 का भाग दो 12 मीटर पर सेकंड, जो चाल आएगी वो 12 मीटर पर सेकंड, खत्म। अब ठीक है, भावना को 12th में समझ गए थे, प्रीति मैम प्रैक्टिस बस डन। आप बताओ क्या आप नहीं कर सकते थे सेकंडों में? मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, 5 की बात हुई थी, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां। अब देखो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पे खड़े लड़के को 30 सेकंड में, कोई ट्रेन है प्लस प्लेटफॉर्म है 40 सेकंड ले रही है, और ट्रेन लड़के को पार करेगी तो खुद की लंबाई होगी और 30 सेकंड में पार करी है। आप समझ गए ट्रेन वाला क्या कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से 10 सेकंड एक्स्ट्रा खा रहा है, तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा खा रहा है प्लेटफॉर्म की वजह से, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 110, तो स्पीड जो आएगी 110/10 11 मीटर पर सेकंड। अब सबसे बड़ी बात, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, निकाल देंगे। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 10 सेकंड में 110 चलता है, वैसे ये निकाल स्पीड निकालनी होती नहीं, तो 30 सेकंड में 330 मीटर चलेगा, और यहां पे केवल लंबाई किसकी होगी, ट्रेन की, ये लो खत्म। तो ये जो कंसेप्ट है इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, लॉजिकली अप्रोच लगाइए, आराम से कीजिए। दोनों का टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है, एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ज्यादा दूरी कवर करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो मेरी ओर से 2 चैप्टर फिनिश, हम आपको 15 मिनट का रेस्ट देंगे, 15 मिनट बाद फिर मिलेंगे, डोंट वरी। 15 मिनट में मुझे, 15 मिनट में मुझे ये समझ में आया ना 330 क्यों। देखो 10 सेकंड में 110, 30 सेकंड में 330, 10 × 3 330, ये ट्रेन की लंबाई होगी केवल, ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो यहां करते तो 440, 110 घट जाते। ठीक है, अब देखो अगर आपने आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सभी एग्जाम्स के लिए सिंगल फीस में, सिंगल फी है, तो आपसे उम्मीद करता हूं इस जो बेनिफिट है 24 मंथ के साथ 3 मंथ फ्री, लाभ उठाइए। 250 रुपए फीस में पर मंथ पड़ रहा है,